निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री कामेलि मुख माही जल दिलांगि गए चर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम्हार रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई
संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो। उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्विद देवा नो यथा सदमिद वृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रा सुमते रुजुयतां, देवानां रातिरविनो निवर्तताम्। देवानां सख्यमुपसेति मा वयम्, देवान् आयुरतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम्, भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम्। अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न शुभगामयस्करत। तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम्, तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः। तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना। श्रुणुतं धिष्णायुहं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं। धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम्, पूषानो यथा वेदसाम सद्हृदे। रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर, शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो, विश्वे नो देवा अवसागमन्निह। भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा, यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापशान्ति, रोषदयशान्ति, वनस्पतयशान्ति, विश्वे देवाशान्ति, ब्रह्मशान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। एवा हेव एवा यज्ञे, एवा इन्द्रः, एवा हि भूषण, एवा हि देवः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।
Oh.
Yeah.
स्वरूप।
Oh,
दिन नव दिवसीय राम कथा का हम भगवत संवाद में प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत गुरु आदि शंकराचार्य प्रभु की इस पावन भूमि ये प्रदेश को नमन करते हुए आप सभी को भी प्रणाम करते हुए सभी को जय सियाराम। इन दिनों में विशेषकर हम लोग श्रावक बनकर गायक बनकर आयोजक बनकर व्यवस्थापक बनकर वाचक बनकर पाचक बनकर चरित्र सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। एक भाई ने आज पूछा है कि आप जहाँ ठहरे हैं बिल्कुल निकट ही समंदर है, आप समंदर तट पर घूमने क्यों नहीं जाते? मेरी मौज जाना चाहिए, सागर सागर है। लेकिन जब मैं कथा के दिनों में होता हूँ तब मेरी कुटिया में चरित्र सिंधु उछाला मारता है तो मैं बहिर क्यों जाऊँ? चरित सिंधु गिरिजा रमन रघुवीर चरित अपार बारिधि। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र मैं अकेला नहीं जा सकता ना, तकलीफ ये है। और दो हुए कि डिस्टर्ब हुआ, मैं अकेला तो घूम नहीं सकता।
मना कर दो तो कोई साथ में ना आए, लेकिन मना करने का स्वभाव नहीं, क्या करें। लेकिन इन दिनों में हम सब किसी न किसी अवस्था में परम तत्व के चरित्र के समुद्र में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी राम कथा जैसे मैं आखिरी दिनों में संक्षेप में कथा कह देता हूं, चाहे राम कथा संक्षेप में गाओ या व्यास रूपेण गाओ, ब्रह्म ब्रह्म है। कल शाम को एक चिट्ठी मिली, यहाँ के मलयालम भाषा के ही एक कोई विद्वान है जो मलयालम भाषा में भागवत की कथा कहते हैं, मुझे अच्छा लगा। यदि वो कल 5 बजे हम मिलेंगे ना, कल आज तो नहीं मिलना होगा ना, तो कल 5 बजे मिलेंगे, तब यदि वो आए तो हम चाहेंगे कि आपके मुख से हम भागवत के कुछ श्लोक और मलयालम भाषा में भागवत सुने 10-15 मिनट। लेकिन आपने जिज्ञासा अच्छी की है कि बाबू भागवत चतुश्लोकी में है, इतना ही पढ़ ले तो पर्याप्त नहीं है, 18,000 श्लोक में जाने की क्या जरूरत है। अब साहब ये बात तो कोई अधिकारी भागवतकार को पूछो, मैं क्या कह सकूं। अब है नहीं, लेकिन सबसे मेरी दृष्टि में भागवत के अधिकारी वक्ता रहे ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, और कहीं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी, दादाजी अतुल कृष्ण गोस्वामी, अरे कई महापुरुष में के, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं कह रहा हूं। ये महापुरुष उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी अपने ढंग से भागवत गुनगुनाता हूं। व्यास जी ने ब्रह्मा चतुष्लोक की भागवत बनाया, 4 श्लोक केवल, ठीक है। और भगवान व्यास का अर्थ मैं अपने ढंग से आपसे संवाद करूं, जो मलयालम पंडित जी ने पूछा है, भागवत में ही तो कथा है कि बलि राजा के यज्ञ में भगवान पधारे, ठीक है, और वामन बनकर ब्रह्मचारी के रूप में आए। यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ था और वामन आए और आचार्यों ने कहा कि यज्ञ पूरा होने के बाद जो फल मिलता है वो प्रत्यक्ष आ गया है वामन के रूप में, स्वागत किया। फिर जो कथा है आप जानते हैं, फिर वो 3 कदम पृथ्वी मांगी गई, इसमें वो ही वामन विश्वरूप बन गया, चतुश्लोकी ही 18,000 में परिवर्तित हो जाती, भुसुंडी रामायण ही 7 सप्तक में उछाल मार रही है, छोटी सी भुसुंडी रामायण। अरे श्लोक में जाओ तो आदौ राम तपोवनादि गमनम, 4 पंक्तियों में पूरा हो जाता है, बीज में ही पूरा बट वृक्ष होता है। लेकिन बीज एक ही वृक्ष को जन्म देता है, वृक्ष अनेक बीजों को जन्म देता है। व्यास तो व्यास है, मैंने कल भी स्पर्श किया कि एक वेद का 4 वेदों में विभाजन कर दिया, फिर महाभारत, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि 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 आदि, क्या विस्तार किया है भगवान व्यास जी। उसी व्यास ने चतुर्श्लोक को 18,000 में परिवर्तित किया।
तो आपने जो पूछा है, आप भागवत की कथा कहते हैं तो आप ज़्यादा इस हमें उसको समझा सकते हैं, लेकिन मुझे पूछा है तो मेरा तो यही है कि अणु माँ आँखो वड़ संके लो भगत बापू लख बोटाद नु रेलवे स्टेशन हरीश भाई मेघा बोलत में रेलवे स्टेशन थे ना पचू न हो तो क्या गोटो था यार। मेघाणी और काग बापू बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर और एक बट वृक्ष है उसमें से एक टेटो बट का फल गिरा और ट्रेन आने में भारतीय रेलवे तो जरा देर हो रही थी तो इसीलिए उसने भगत बापू ने ये जो बट का फल होता है खोला कितने बीज है। मेघाणी भाई कहते हैं बापू भगत जी कुछ सूझ रहा है इसमें, बोले आप कविता सूझ रही है। और बोटाद के बेंच पर बैठकर उसने कविता लिखी अणु माँ आँखो वड़ हंकेलो एना मूल ऊंडा मुरार दी कड़ा परम पार हेमा अमारो पोचे नहीं विचार ए भी तारी कड़ा अपरम पार કીડીના આતર કેમ કળિયા એ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને આ મોરના ઈંડામાં રંગ મોહન તે ક્યાંથી પૂર્યો કિરતાર અણુ જીતના છોટા ઉસમે શક્તિ જ્યાદા હોતી હૈ હમ ગોડ પાર્ટિકલ તક પહોંચે જીતના તોડો જીતના તોડો જીતના તોડો જીતના પ્રચંડ શક્તિ નિર્માણ હોતી હૈ। चतुश्लोक को सुमति कुदारी से तोड़ा गया और इससे अनंत ऊर्जा 18,000 श्लोकों में प्रकट हुई। तो वामन भी ब्रह्म है, विराट भी ब्रह्म है, चतुश्लोक भी ब्रह्म है और 18,000 श्लोक भी ब्रह्म है। उत्तरकांड स्थित लिखित भुसुंडी रामायण भी ब्रह्म है और सप्त सोपान में विस्तरित रामचरित मानस भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है और शिव भी ब्रह्म है। अंश और अंशी का एकमात्र छोटी सी लकीर बीच में है, बिंदु को सिंधु बनने में कितनी देर लगती है। तो आपका ये प्रश्न बड़ा प्यारा है, यहाँ हो तो जरा है आप यहाँ अर्धु तो इन्हें मलयालम में लिख्यू तो बस एम तो मैंने कहू पर हिंदी में ये मैं टोन समझ गया, एक दो पंक्ति इंग्लिश में भी लिखी थी। खैर आए तो मैं निमंत्रित करता हूँ, कल जरूर आएगा, हम आपको सुनेंगे। हाँ, हम सुनेंगे। खैर पंडित जी भागवत का फल तो ब्रह्मलोक से गिरा था, सफरजन नीचे आ रहा था, ये धरित्री उसको खींच रही थी। ब्रह्मलोक तक आया धीरे से धीरे ऊपर से या अज्ञात स्थिति से उतरा ये जगजीवन दादा मेरे गांव के भागवतकार, पुराना जमाना है, दशाब्दियां बीत गई और ब्रह्मलोक में फल उतरा तो ब्रह्मा तो सर्जन कार्य में बहुत व्यस्त थे, ये बनाओ ब्रह्म सृष्टि का सर्जन। तो उसने कहा कि ये क्या आ रहा है, जाने दो, वहीं से छुटा शिवलोक में आवे। और बाबा तो समाधि में बैठे रहते, थोड़ा भूतड़ा था, भूत थे, खेल करते थे, नंदी बैठा था, कार्तिकेय का मयूर नाच रहा था, ये अपनी मस्ती में कैलाश वाला वहाँ उतरा। तो भगवान शंकर को हुआ कि समाधि छोड़ करके इसमें क्यों जाए, तो बैठे रहे, फल वहीं से नीचे उतरा। भगवत कथा उतरी साहब, अवतार कभी भी हो, कथा का अवतार तो पल पल होता है, क्षण क्षण होता है, नॉट संभवामी युगे युगे। हमारे विचार यज्ञ के आचार्य गोविंद बात कहते हैं संभवामी क्षणे क्षणे।
और ये फल, और फल जब पक जाता है तो अपने आप गिरता 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 भगवान व्यास के पास आ गए चतुश्लोकी के रूप में। और भगवान वेद, वेद व्यास के ऋण से ये विश्व कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्या इस महापुरुष ने काम किया है, और फिर आपकी जो स्वाभाविक सहज दशा थी, उस सहज स्वाभाविक मानसिकता के कारण आपने चार्ल्स को 18,000 में विस्तृत कर दिया। जैसे कोई अच्छा विद्वान कोई एक शब्द लेकर 9 दिन निकाल देता है, 7 दिन निकाल देता है, एक प्रसंग लेकर के 3 दिन निकाल देता है, उसका विस्तार 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 हुआ। मैं थोड़ा कहूँ ना भागवत के बारे में, अधिकार तो नहीं है लेकिन मुझे रस आ रहा है तो मैं क्या करूँ, रस आ रहा है। और कल 11 प्रकार के रस खाया ना तो इसलिए ज्यादा रस आ रहा है। नहीं मैंने इतना नहीं खाया हुआ, हमने 2-3 दिन एकादशी थी। कल मैं विनोद में कह रहा था कि मैंने एकादशी नहीं की, मेरे गांठिया ने एकादशी की। वो बेचारा रो रहा है कि ये कहाँ, ये क्या, वो उपवासी था, जब तक हमारे मुख में न जाए तब तक उसको शांति नहीं होती है, तो गांठिया एकादशी का व्रत कर रहा था। तो विस्तार किया, आह हम पर बहुत उपकार किया। नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धि। अब भागवत की रचना तो हो गई, अब परोसे कौन, हलवाई कहीं मिठाई तो बनवा देते हैं लेकिन परोसे कौन। परोसना कला है, व्यास विस्तारक है। जिंदगी भर उसने विस्तार किया ग्रंथों का, परोसना उसके कब्जे में नहीं था। और फिर वो कौन परोसे, जन जन तक ये कौन परोसे, उसकी तलाश शुरू। बहुत घूमे बहुत देखा, कहीं कोई परोसने वाला मिलता नहीं। समाधि में एक बार बैठे थे तब पता लगा कि परोसने वाला तो मेरी धर्म पत्नी के पेट में बैठा है। सामान्य जीव 9 मास में बाहर निकलता है, सुखदेव जी 12 साल तक अंदर रहे माँ के पेट में। 12 साल क्या घड़ा पका है। परम चेतनवंत मानसिकता प्रज्ञा जिसकी है, वो व्यास जी जान गए। और एक बार वो गर्भस्थ शिशु को कहते हैं, तू बाहर आ, तू बाहर आ, तू बाहर आ, बाहर आ, नहीं आ रहे। 12 साल व्यास जी ने सोचा कि इसको बाहर लाने के लिए कुछ युक्तियां करनी होगी, और दुष्ट तर्क नहीं लेकिन स्वस्थ तर्क। कभी गूढ़ रहस्यों को खोलने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की छूट है, अथा तो धर्म जिज्ञासा की छूट है। व्यास जी ने कहा, इतनी सुंदर दुनिया है बाहर, ये सरिताएं, पर्वत, ये सागर, मौसमें बदलती हैं, पक्षी क्या क्या नाचते हैं, क्या क्या होता है। इतनी प्यारी दुनिया है और तुम अंदर बैठे हो, बाहर आओ,
बाहर आओ, फिर भी ना आए, प्रलोभन प्रलोभन नहीं, वास्तविकता का कितनी सुंदर है सृष्टि। हर पक्षी पशु, कोई कोई तो जन्मजात एक दूसरे के हत्यारे हैं, लेकिन बैर छोड़ करके घूम रहे। तू बाहर आ, तू बाहर आ। इन दिनों में मैं 8 दिन से देख रहा हूं मेरी कुटिया के बाहर मोर भी साथ में घूम रहा है, कौवे भी साथ में, एक बिल्ली भी साथ साथ घूम रही है। वरना बिल्ली कब कबूतर पर झपट करे, कौवे पर, और मयूर के पंख कब तोड़ दे, शरारती बिल्ली का कोई, मैं देखता रहता हूं, साथ साथ घूमते हैं। मैं सोचता हूँ अभी तराप मारेगा, अभी हमला करेगा, फिर मैं खुद को मुरारी बापू तुम्हें क्या जल्दी है, चैन से घूम रहे। तत्सन्निधौ वैर त्याग अहिंसा प्रतिष्ठायाम, तत्सन्निधौ वैर त्याग। वाल्मीकि के आश्रम में गज पंचानन एक साथ घूमते थे, गज मानी हाथी, पंचानन मानी शेर। बाहर आओ, अब तर्क किया, क्या तर्क किया, स्त्री के पेट में कितनी गंदगी है, तू क्यों मल में इधर उधर वो करता है, बाहर निकल। और बाहर कितना सुंदर चैतन्य नर्तन कर रहा है, अच्छा तर्क है, शुद्ध तर्क है। किन्नेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, जो मानस की भूमिका है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि भरद्वाज जी आप मेरे से बहुत गूढ़ रहस्य निकलवाना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ की तरफ पूछे जा रहे हैं। स्त्री के पेट में तो गंदगी है, अंधेरा है, उसमें क्यों तू आप जावा बाया साहब। दुनिया में जितनी गंदगी है, इनमें से एक भी गंदगी मां के पेट में नहीं है। अंदर कोई झूठ नहीं बोलता है, अंदर कोई चेतना एक दूसरे की निंदा नहीं करती है, अंदर की चेतना कोई द्वेष नहीं करती है, अंदर की चेतना उसको सदाचार की कदाचार कोई पता ही नहीं है। वो सहज जैसे तैरता है कोई समंदर में, माँ के उदर के जल में, मानो एक शिशु रूप शेष नारायण झूम रहा है, शीर्षाई मानो पड़ रहा है। जितने तर्क व्यास जी ने किया इसको, इतने ही सहज भाव से कोई प्रयास नहीं किया शुक ने। आज मेरे पास एक प्रश्न भी है, हमारे बहुत सालों से कथा सुनने वाले श्रोता ने लिखा है, बापू 1984 से हम वाशिंगटन डीसी की कथा सुन रहे, तब से तुम ते अधिक गुरही जिए जानी सकल भाय सेवई, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन अभी भी त्रिगुणात्मक स्वभाव पूर्ण रूपेण विदा नहीं हो रहा है, त्रिगुणात्मक स्वभाव जाता नहीं, तो हम क्या करोगे तो सहज नहीं रहोगे। किया और गए, होने दो, मार्ग तो सही है ना, फिर जो होना हो। जरा भी कई बार बार लोग पूछते कि आप कहते, कल भी कह रहे थे अपने कुछ अपने अंदाज या कुछ नगर अंदाज से आप ऐसे रहो, नहीं करना। सहज होने के लिए कुछ करना पड़े तो ये मैं कैसे समझाऊं, ये रास्ता ही गलत है। मुझे हमारी अनुभवा जी ने आज लिखी चिट्ठी, उसमें तो ये लिखा कि भगवान रामकृष्ण देव तो कहते कि मैं किसी से बात करता हूं और बीच में एक क्षण का गैप आता है, वो मेरा ध्यान है। नरेंद्र, और बीच में एक क्षण का जो गैप, ये मेरा ध्यान है। मैं काली का भोग लगने के बाद जब खाता हूं तो मेरा ध्यान है। मैं अपने लुम्बिनी में जब अशोक, अरे नहीं, ये अपने कहा खटमंडू में
अशोक के सन्यासियों के सामने बोल रहा था आपने ही कथा का आयोजन किया, तो मुझे एक सन्यासी ने पूछा भी था कि बापू आप ध्यान करते हैं? ध्यान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ध्यान शिविरें लगनी चाहिए, साधना शिविरें लगनी चाहिए, इससे बहुत फायदा। लेकिन ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने इतना ही सुभाष भाई जवाब दिया, मैं ध्यान नहीं करता, प्रेम करता हूं, इतना है। मेरा यम प्रेम है, मेरा नियम प्रेम है, मेरा आसन प्रेम है, मेरा प्राणायाम प्रेम है, मेरा प्रत्याहार प्रेम है, मेरी धारणा प्रेम है, मेरा ध्यान प्रेम है, कहने दो मेरी समाधि प्रेम है। मैं और कोई अष्टांग नहीं जानता, सहज जो हो। वरना मैं कोशिश करता तो थोड़ा तो यम नियम आसन बासन जैसे पिलाटी करके ऐसे ऐसे रामदेव बाबा की तरह कर सकता था, थोड़ा तो कर सकता था। सहज करो साधो, सहज समाधि चली। इतनी यात्रा, भगवत कथा का श्रवण उत्सव आपने मनाया है, फिर क्यों आप चिंता करते हैं कि अभी ये नहीं हुआ? जो हुआ है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है अच्छा। हर बात को उत्साह के साथ स्वीकार करो। भगवान शंकर और पार्वती निकले तो सनत कुमार अपनी मस्ती में थे, बाल स्वरूप कुमार अवस्था है, तो भगवान शंकर निकले और शिवजी ने बुलाए भी, लेकिन सनत कुमारों ने, ये चारों ने तो एक अवस्था में रहते तो उसका ध्यान भी जैसे कोई बुजुर्ग निकलता है और कोई बच्चा खेलता रहता है, प्रणाम भी न करें, इसमें कोई बच्चे का दोष नहीं है। लेकिन कोई दूसरा कहेगा कि हे दादाजी निकले और तुमने प्रणाम भी नहीं किया, तो पार्वती को अच्छा नहीं लगा कि मेरे महादेव को प्रणाम नहीं करते, अपने आप को क्या समझते, दीर्घजीवी हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं, निरंतर इस स्थिति में रहते सनत कुमार। और पार्वती को गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया, तुम चारों ऊंट हो जाओ, बोलो ऊंट हो जाओ। ये कहानी मैंने कभी सुनाई आपको, ऊंट, और इस क्षण तत्क्षण ये ऊंट बन गए, लंबी गर्दन और चारों, कहां कुमार अवस्था, कहां ऊंट की ऊंचाई। भगवान शिव जी का तो ध्यान नहीं, फिर तीन चार दिन के बाद फिर वही रास्ते निकले तो ये चारों ऊंट कुंपले खा रहे हैं वृक्ष के, अच्छा अच्छा खुराक, ज्यादा न रसोई बनाना न कुछ करना, बस आया आया खा रहे। पार्वती ने कहा, भगवान मैंने इसको श्राप दिया था, ऊंट बना दिए। उमा, उसकी प्रसन्नता में कोई फर्क पड़ा है? ये ऊंट बनकर के किसी कितनी मौज से सहज, पहले तो उसको सनत कोई भिक्षा दे तब खाए, न मिले तो न खाए, आज पूरा आधार बार वनस्पति उसको भिक्षा का निमंत्रण दे रही है। वाह वाह, और मस्ती से इधर से लिया एक कुपले, एक पत्ता इधर से लिया और जुगाली कर रहे, मस्ती में है। मेरे भाई बहन, भजन बढ़ेगा तो ये अनुभव होगा कि पुरस्कार हो कि तिरस्कार, कोई लेना देना नहीं, शाप हो कि आशीर्वाद, कौन कौन सोच, कोई शाप देगा तो 52 अक्षर के अंदर से देगा, गाली देगा तो इसमें से ही देगा, आशीर्वाद देगा तो भी इसे, 52 पत्ते के बाहर जोकर बन जाओ। एक जोकर का पत्ता होता है जो हर जगह साधु जोकर है, हर जगह चलता है, ये बादशाह नहीं मारना है, जोकर का पत्ता बादशाह को हरा देता है, इक्का इक्का हो उसको, रानी बाणी गुलाम बुलाम कोई नहीं उसके लिए, 10वां अंक कोई, 9वां हो 8 का, ये जोकर असंग है। साधु कौन है? जोकर। भिखारम काका वाली एनी व्याख्या एम करे, मैंने के काका ना सूत्र एने भले ये तो एम नम जीके जाता था, पर विचार कर ई वाली मैंने एम के इच्छु भाई बैठा के इच्छु, मैंने तो कई कैद नहीं है, इच्छु ने इच्छु
आ जोकर नी व्याख्या तुझे पता है शू जोई जोई ने करू एनु नाम जोकर जोकर जोई जोई ने नारायण स्वामी गाता था छो मुदने देहू शू करू मन जाग में क्या हरू छु फरू मन जाग में क्या हरू छु फरू परंतु पथंदी मन खावे हम साधु फरे नको Think twice before you speak. एक शब्द को जन्म देने से पहले दो बार सोचो ये जोकर का काम है बोध यथार्थ वेद पुराना नारद जी ने कहा साधु का लक्षण क्या तो मेरे राम जी कहते हैं एक लक्षण तो नारद है बोध यथार्थ वेद वेद पुराण कोई भी शास्त्र उसको यथार्थ प्रतिपादित करे विचारी विचारी नथी बिक कोई डर नहीं है मुझे फकत एक मारा हरी सी डरू फकत एक मारा प्रभु तलगा जड़ा स्वीकार वामा थोड़ो मुश्किल पड़े जाए बात तो बहुत सरस अच्छी है कि मैं भगवान से डरता हूं दूसरे भगवान से भी क्यों डरे साधु से मत डरो डरना हो तो साधु से डरो ब्रह्म से मत डरो ब्रह्म से डरो विचारी विचारी में बदला विचारी विचारी में बदला तो पुरस्कार तिरस्कार थोड़ा भजन बढ़े भजन का अर्थ आप जो करो ध्यान समाधि चिंतन लेखन गायन साधना के कई मार्ग है लेकिन सहज हो वो उत्तम है उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा सहज हो उमा देखो ऊंट मौज कर रहे न उसको तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे श्राप में कोई असर और फिर पार्वती को चिंता हुई उसने कहा भगवान मैंने तो बाण छोड़ दिया और बेचारे ऊँट हो गए और अब आप कह दो फिर सनत कुमार हो जाए और महादेव ने कहा हे सनत कुमार सब ऊँट सनत कुमार फिर वही खेल वही थोड़ा हरि भजन थोड़ा समय निकले यंत्रवत तो यंत्रवत शुरू में करो कई लोग भजन छोड़ाने की कोशिश करेंगे कि तू तो गिन गिन के बैर खा करते हो गिन वो जो करे तू गणी गणी पाप करे से एनु शू करू गणतोत नहीं कदाच नहीं
सहज होने के लिए कोई साधन नहीं, कुछ करने गए असहज हुए। हमारे टाट बाबा तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, अक्रिय ध्यान करने से संपन्न हुआ, करना चाहिए। तो मुझे तो ये इतने नेपाल की कथा में एक सन्यासी ने पूछा था, तो मैंने कहा भाई हमको ध्यान बांध नहीं आता, ध्यान रखें जीवाय तो ही गणू से साहेब, ये ध्यान क्या अपने कर मन ना ध्यान, गजानन तो ध्यान करे से नहीं को के मन कीधु तू नथी करता, ध्यान रखियो तो पड़े शू काम टाका ना आवत, ध्यान नहीं रखवाना करता है। बाप ध्यान बहुत प्यारा मार्ग है। ओशो कहते हैं गोरखनाथ ने इतनी ध्यान की पद्धतियों का विस्तार किया है कि शुमार नहीं है, शुमार नहीं, देश काल के अनुसार जिसको जो रास आए, लेकिन किया होने दो। इतने सालों से भगवत सुन रहे और क्या चिंता करनी है कि ये त्रिगुणातीत वो नहीं बना ये नहीं बना, छोड़ो जो हो रहा है उसमें नाचो, नाचो इसमें आनंदित हो। कोई कम उपलब्धि है, कोई कम उपलब्धि प्रवीण तू इतनी कथा करा गया, कोई कम उपलब्धि है बेटा? तेरा बाप तेरा दादा उसका बाप आशीर्वाद देता होगा, ये कम उपलब्धि है? सोचो, सहज कबीर साहब का एक पद है, ऐसा सदगुरु सौ सद क्या भाई सदगुरु सत्य कहावे, नहीं संसार छुड़ावे कबीर, संसार छुड़ाए ना, संसार से भागे फिरते हो भगवान से। ये सुतर्क है, अच्छा तर्क है, अपने को रास आए ऐसा है, रास आए। वही सनत कुमार एक दूसरे से संकीर्तन करने गए, वही क्योंकि सहज 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 होता रहे होता रहे, थोड़ा थोड़ा कुछ करना तो पड़ेगा, जो जिस करना मीन्स सहज भजन, सहज भजन जो हो जो हो। मैं से जो कुछ लिख कर आता हूं तो मैं बता देता हूं कि भाई मैं ये लिख कर आया, बाकी मेरी कोई तैयारी अहीं आवीन शुरू थी जवानों पची जहां जवाय त्या, बाकी मैंने कभी छुपाया नहीं कि भाई ये चौपाई अथवा तो विनय का पद है मैं लिख कर लाया हूं कि मैं आपको बता। कीर्ति आ गया बेटा, किसी ने भेजा, संदर्भ पकड़ना जरा मुश्किल था ना इसीलिए लगा हुआ। तुलसी सबल रघुबीर जू के बाली सुनू सुतु वाहीन गणत बात कहत करेरी सी बख्शीश इस जू की खिस। तुझे लंका महादेव ने बख्शीश में दी थी, तूने धूर्धारी कर दी, तूने खत्म है। ये तो पार्वती ने लंका के लिए किया और पंडित को दे दिया था, ये संकेत यहाँ है, बीज यहाँ है, फिर उसका विस्तार हम कर लेते। तो क्या यार 52 अक्षर के अंदर का सब खेल है, क्या शब्द को इधर उधर को, लिमड़ी गांव में गाड़ी मिली, लिमड़ी गांव में गाड़ी मिली, आबाजू तो लिमड़ी गांव में गाड़ी मिली, बधव शब्द लखो तो आबाजू थी बधव ने आबाजू थी, सरस करो तो आबाजू थी सरस ने आबाजू, सहज हो जाओ। तो हम जो कुछ करते हैं प्रेम करते हैं, सही में यार मैं क्या कहूँ, मेरे छोड़ो यार। कई लोग मुझे लिखते हैं, कई लोग बापू आई लव यू, मैं बोलता नहीं लेकिन TOO क्योंकि मैं उसको जवाब दूं तो खबर नहीं कौन कैसा अर्थ कर ले, ये दुनिया बड़ी विचित्र है।
कोई गिफ्ट दे तो रिटर्न गिफ्ट तो होनी चाहिए ना। प्रेम करो दुनिया से, प्रेम करो, छोड़ो सब, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए। रहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मरीज साहब ने कहा था, एक तो ओछी मदीरा ने गड़तू जाम छे, एक तो जाम गड़े छे, रात विदा हो रही है और मदीरा भी वो पी लो, गुड। ये शराब पीने को नहीं कह रहा हूं, ये पल पी लो, ये जो हमें और आपको श्रावक बनकर, गायक बनकर, वाचक बनकर, पाचक बनकर, व्यवस्थापक बनकर, आयोजक बनकर, किसी भी रूप में ये 3 घंटे हम मौज कर ले, और क्या साहब। करने गए, मेरा मुझे लगता है करने गए तो फंसे। हमारे टाट बाबा कहते अक्रिय ध्यान, अच्छा लगता है मुझे। सोचो करने का फल लगता है, अच्छा बुरा कुछ भी, सहज का कोई फल नहीं। बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। वहां कोई कर्म का सिद्धांत लागू नहीं पड़ता कि जो जस करई सो तस फल चाखा। बार बार इस कथा में मुझे पूछा रहा है कि बापू आप कहते ऐसा करे, तर्क ना करे, विचार ना करे, तो हमारे इना मटे काई न करो। सानो मना हम जिन हुई रहो तो करवू नहीं काई। भीम कहे भटकृष्ण, भाण भाण किए भाण कहे भटकृष्ण मा बाण साहब नो मथी ले ने मन माए, मथी ले मन माए, बाण कहे भटकृष्ण मा मथी ले मन माए। हम जिन हुई रहे, आखी जैन परंपरा भाणदेव में उतरी के भाई, आखी जैन परंपरा। लो भूख लगे त्यारे, भूख लगे तो खा लो, चाय पीनी है तो चाय पी लो, मुस्कुराना तो मुस्कुरो, नाचना हो तो नाचो, गाना हो तो गाओ। कुछ तो सोसाइटी करने नहीं देती। भजन ने क्या बिगाड़ा है समाज का कि समाज उसके में बाधा बनता है। ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा करो तो ठीक नहीं। मुरारी बापू फिल्म को गीत गाई ठीक नहीं, तो ठीक नहीं तो तू घरे रह। अच्छा हाँ भड़तो तो से तो आजा मुद्दो उभो करे ने, टीवी में हाँ भड़तो से अः बापू ये फिल्म नु गीत गा, बधु बंद कर दे ने यार, तने आटलो रस केम छे। मुरारी बापू ने शेर कही दीदो, मुरारी बापू ने ये कर दीदा। हुकीन सुभाष भाई कौन है वो जैन फकीर, हुकीन के हुकीन, वो जो क्योटो में कहीं उसका झोपड़ी थी, और मैंने सुना है कि एक सुंदर लड़की वहाँ बगल में रहती थी, और उसको किसी युवक से प्यार हो गया, और ये कुंवारेपने में सगर्भ हो गई, और बहुत वो बहुत, फिर तो माँ बाप टूट पड़े, और ये लड़की को कहा बता इसका बाप कौन है, बता तूने हमारे कुल की। तो डरी हुई लड़की ने इस साधु का नाम दे दिया, मेरे पेट में बालक है इस साधु का। और फिर पूरा गांव लाठी लेकर, मुर्दास जैसी कथा, मुर्दास जैसी कथा, सब गए। और बालक जन्मा और डाल दिए उस साधु के, ले ये तेरा पाप, हम तुम्हें साधु मानते, ले ये पाप, तू इसका बाप है। उसने क्या कहा, अच्छा बस एम के, अच्छा बालक को उठा लिया साधु ने, नहलाया, अब वही उसकी साधना हो गई। एक चेतना का पोषण करना उसकी साधना बन गई।
अगल बगल से दूध मांग कर पिलाना, लोरी सुनाना। बालक को बड़ा एक साल का बच्चा हो गया और इस लड़की ने जो भूल की वो तो एक कोई मछुआरा, खबर नहीं, शाक मार्केट में कोई काम करता था मछली बाजार में, वो भी लिखा है, उसके साथ उसने गलत कदम उठा लिया था। और फिर लड़की को बहुत वो हुआ कि मैंने एक साधु को बदनाम कर दिया। हिम्मत करके बाप से कहती हैं, ये लड़का है ना, वो इसका बाप है, साधु नहीं। ओ, ओ, पूरा गांव रोया। मैंने आनंद था, साधु बालक में चालता सिखवाड़े, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ, देखो 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 देखो, उंगली हाथ में देकर, महाराज माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा, ये बेटी ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब उसको बड़ा ग्लानी हो रही है और कहा कि इसका बाप तो ये है। अच्छा एम के ले जाओ, लो ये सहजता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो भान साहब कहते हैं कि मनो उसे आखी जैन परंपरा, एक सहज परंपरा का ये दोहा लिख दे, समझी न हुई रो करू नहीं का किया, फैलाना इतला फसाना, जेटला फैलाना इतला फसाना। अंदाज बापू का आश्रम जरा द्वारका वाला बड़ा हो गया तो मैं द्वारका जाऊं तो उसके आश्रम में जाऊं, ये मेरे लिए समित तैयार करते थे। तो मैं कहा बापू आराम चेयर में बैठ, मैंने कहा बापू मैं 2 साल पहले आया तो आश्रम थोड़ा छोटा था, नहीं इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा वाला वाड़वानू उधार्यू, वाड़वानू उधार्यू, सहज सहज सहज। तो मैं कुछ लिख कर आता हूँ तो बोल देता हूँ, बाकी तो यहाँ आवीन पी जे शुरू था ही शुरू थी जाए, शुरू थी जाए। खरेखर इसका मुझे ज़्यादा आनंद है, ज्यादा आनंद है। जोकर भिखारम काका का जोकर, जोई जोई ने जोई जोई ने वोरिये जातू ए बिबावीन पड़े नहीं भातू, जोई जोई ने वोरिये जातू बिबावीन पड़े नहीं भातू। आज मांड मड़ी छे ये कानू मारा मा बोले हमारी नानपणानी प्रीतु हमारी बाला वहीनी प्रीतु मारा मावा मोले आ दासी जीवन भीम ने भाड़ी ए दास जीवन भीम ने भाड़ी अने वारणा लंवारी आज मारी गरीबी गवारी सुंदर दुनिया है और स्त्री के उदर में तो गंदगी है, तू बाहर आ। मूल बात ऊपर पहुंच जाए, निमंत्रण दे रहे हैं व्यास भगवान, तू बाहर आ।
वो माँ के पेट में कितनी अच्छी वस्तु है वो गिनाया जा रहा है, ये गिनाया दुनिया में कितनी, इनमें से एक भी गंदगी माँ के उदर में नहीं है और आप मुझे कर रहे हैं। तो कब तू निकलेगा? तो मेरा कृष्ण जब हुक्म करेगा कि तू पक गया तब बाहर आऊंगा। और जब भगवान कृष्ण ने संकेत किया और सुखदेव जी माँ के उधर से बाहर निकले और ने खबे नाखड़ी ने यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, सीधा निकल गया, निकल गया। यम प्रव्रज मनुते तो सब ये जानते हैं मुझे रस आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ साहब, माफ करिएगा, मुझे रस आ रहा है तो मैं क्या करूँ। निकल पड़ा पनघट पर, युवान सुंदरियां स्नान कर रही थी, जवान शुक निकल रहा है, निकला है कुमार अवस्था में, और युवतियों ने अपने अंग को वस्त्रों से आवृत नहीं किया, सहज रही, शुक पसार हो गए और अपने बेटे को पुकारते पुकारते व्यास भगवान पीछे दौड़े और वही पनघट से वो भी निकले। इन सभी स्त्रियों ने कपड़े से अपने को आवृत कर दिया, 100 साल का व्यास और ये कुमार अवस्था में शुक। व्यास ने कहा कि बेटियां मैं बूढ़ा हूं और जवान युवक को देखकर तुमने कोई कपड़े नहीं पहने, जैसे थे वैसे सहज रहे और मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारे दादा जैसा लगता हूँ, और तुमने बोले महाराज माफ करिएगा, आपके साथ बातें करना अविवेक है, छोड़ो बातें। बोले नहीं नहीं, रहस्य तो बताओ कि तुम्हारा बेटा भले युवान हो लेकिन उसकी भेद वृत्ति समाप्त तो हो चुकी है कि कौन स्त्री कौन पुरुष, और आपकी आंख में अभी ये स्त्री, शंकराचार्य कहते हैं नमे जाति भेद, मेरा जाति भेद खत्म हो गया है, मैं केवल चिदानंद रूप शिवो शिवो। व्यास जी लौट आए, वो तो गया, घना छोकरा हो घर में भूल कर तो निकली जाए, वो आ जाए जूनागढ़ जी निकली जाए, घना छोकरा ने बाप काढ़ी मुके, घना छोकरा माटे छापा में जाहरात आपवी पड़े, भाई हवे तू आवीश ने तारा लग्न कर नाखशु, तारे जेनी साथे परणवू, पण तू पाछो आवी जाय तारी माँ बहु रोवे छे अने तारी काकी तो खाती ज नथी, तू पाछो आवी जाहरात फोटा आपे। व्यास जी ने सोचा कि पीरसण पीरसणियों गोतवो से मारे है, हमारा अमृत में कौन जगत को पाए पिलाएगा। सुखदेव ने तो पूरा अस्तित्व वो हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ साहेब, चार पांच
ब्रह्म कुमार आश्रम वासी दौड़ते दौड़ते आए, व्यास नारायण को प्रणाम किया। हाँ वत्स, हाँ वन, एक 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 कोई अवधूत घूम रहा है जंगल में, कटी भाग तक जटाई बिखरी है, करली हैर है, चेहरा अद्भुत दिव्यमान है, जन्म जन्म की साधना करके कोई तपस्वी आया है, कोई मिट्टी उड़ा रहे तो भी मुस्कुराता है, कोई धक्का दे तो भी अवधूत दशा है, पर इनके चारों ओर मिट्टी उड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, अलक्ष्य लिंग लगता है और कोई लाभ में उसको खुद में उसकी संतुष्टि है, निज लाभ तुष्टो, मेरा होना ही मेरी तृप्ति है, मैं हूं इस परमात्मा के सुंदर बनाए हुए जगत में मैं हूं, यही तो डकार होना चाहिए। सुभाष भाई कल कहता था ना कि मेरी कोई ग्रंथ ब्रंथ ठीक है बधु करिए, पर मेरे जीवन साथ है मेरा संबंध है, जीवन बस। व्यास जी ने सोचा कि ये शुक्स के सिवा और कोई नहीं हो सकता, बूढ़े बाप की आंख डबडबा गई, अब उसको घर कैसे लाए, रिहाई निकली गयो तो एने मना भी न लवाए, रिहाई ने थोड़ो निकलो तो आ तो यद हरेव विरजित तद हरेव प्रवृजित, अब वामन भी ब्रह्म है, विराट भी ब्रह्म है, चतुश्लोक भी ब्रह्म है, 18,000 श्लोक भी ब्रह्म है, और ऋषि कुमारों को कहा मैं तुम्हें श्लोक देता हूँ, आप जाओ जंगल में गाओ गाओ, और ये श्लोक में जो अवधूत पकड़ा जाए तो फिर ले आना, मारे पिरसनियानी जरूर से, मैं कैसे परोसू, मुझे परोसना नहीं आता। और वन वन हर जगह ये शिष्य घूम रहे हैं, और आप जानते मैं तो अपने आनंद के लिए बोल रहा हूँ, सुंदर स्वर में गा रहे हैं व्यास के शिष्य सूरभ, बरहा पीड़म नटवर बहु कर्णयो कर्णिका बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं चंद्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति बरहा पीड़म नटवर वपु हो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वा विषम वैजयंतीम च महान रंध्रान वेणु रधर सुधीर पकड़े गए सुखदेव जी, ये किसका वर्णन है, ये कौन है, ये कौन है, दौड़े ऋषि कुमार को कई बार बार सुनाओ ना श्लोक, बार बार सुनाओ बार बार सुनाओ, जब लगती है तो देर नहीं लगती, लगती है तो देर नहीं लगती, संजोग की बस एक घड़ी, संजोग की बस एक घड़ी, कोई भी साधु अपने को खोज लेता है एक पल में, लेकिन वो हमारा चुनाव होने वाला होता है ना, तभी हम बदल गए होते हैं, ये तो हमने इतना हनुमान चालीसा किया कुछ हुआ नहीं, एक क्षण में हम बदल जाते हैं। एक शेर सुनाऊं, मैं लिख कर आया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः
करणिकार बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंती रंध्रान्वेणोर्नधर सदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः व्यास जी के शिष्य श्लोक गायन कर रहे हैं। साम गायक है, साम गायन विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का एक नाम है। हजार नाम में भगवान का एक नाम ये भी है। इतना मधुर गान सुना, दौड़े जा रहे पीछे 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 पीछे। एक गाय उसके दूध पयोधर में, उसके दूध के स्थान में फाट फाट दूध बहता हो, और बछड़ा जैसे पीछे 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 दौड़े, ऐसे मेरा शुक उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहा। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। अब अवसर मिला पल पकड़ी शिष्यों ने, ऐसा एक श्लोक नहीं 18,000 श्लोक। 18,000 किसके पास है? हमारे गुरु के पास। कहाँ है? नाम दिया। ओह दीकरो पाछो फेरियो साहब, लागी जाए ना पछी घरे आवा में कोई चिंता न होवी जोईए, लगनी लग जानी चाहिए कि नहीं नहीं हमारा थी घरे जवाई नहीं, शू काम तमें मेळवो ई घरवाला नहीं आपो, परिवार ने आपो। तुमने जो पाप किया है संपदा ये बांटो, जिस घर ने तुम्हें पाला पोषा है। सुखदेव वापस लौटे, अध्ययन शुरू। धन्य है वो शुक, धन्य है वो व्यास। क्रमशः एक एक श्लोक, एक श्लोक कितना समय चले कोई निश्चित नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूठ, डूब जाते। सुखदेव जी ने सब ले तो लिया और व्यास जी को पूछा कि मैं ऐसे तो आनंद में ही था, ये सब तुमने शब्द मेरे कान में क्यों डाले? मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए? बेटा मुझे, मैंने ये 56 भोग तैयार किया है ना, वो परोसेगा कौन? तुम परोसो। तो सामग्री बनाने वाले से परोसने वाले की महिमा है। शुकादि कथाकारों की वंदना इसलिए जगत में हुई है, हम जैसे तो छोड़ो, क्योंकि ये भूरी राजना है, उसको परोसना आता है, उसको परोसना प्रस्तुति। रसोई बनावे पिरसवा निकले, कारण कि एना कुर्ता पर तो हळदर चोंटी हुई, मरचू चोंटी हुई, महो तूली धो, हाथ गंदा हो, परसेवे रेप जो परसेव माथे दुर्गंध आती हो, क्यारेक धाणा जीरो में हाथ नाख्यो हो, क्यारेक मेथी में हाथ नाख्यो हो, क्यारेक आमती आम जारो कर्यो, पण ए पिरसी न सके। भगवत कथा पिरसनार के लिए व्यासपीठ को कुछ सूत्र दिखते हैं। पहला सूत्र, तन और वसन दोनों से शुद्ध होना चाहिए। उलो नायो हो के नहीं बनावनारो, पण पीरसवा निकले स्नान करेलो होवो जोईए, अने एना वस्त्रो गंदा न होवा जोईए। ए पहेली। वस्त्र माने वृत्ति शुद्ध होवी जोईए, शुद्ध तन मन शुद्ध हो,
क्योंकि गंदा मानस पिरसवा आवे, पहला नहीं लॉज होती ना लॉज। मैं जब बढ़ता था तो कभी कभी भूख लगे तो एक रुपया में रोटला मिलता था, तो उस समय हम लॉज में जाते थे, एक ओड़ो रुपया में, ये मारे उधार रखा हुआ पड़ता था साहब, साचे सही में मैं वो ये आनंद में याद करता हूँ तो अभाव का ऐश्वर्य था सही में। नाम था अभी ये ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देवता की एक कमरे में लॉज थे, मैं स्कूल में नौकरी करता था तो फिर भूख लगे तो फिर जाऊँ तो मैं कहूँ नाम भूल गया यार। खैर उसने तो बड़ा बड़ी बड़ा वो बना दिया, बॉम्बे गेस्ट हाउस बना दिया उसने, एक कमरा था बेटा, वो खुद ही रोटी बनाए, खुद ही छाछ परोसे, खुद ही रोटला बनाए, सब ये सब, 5-7 लोग बैठ सकते थे इसके कमरे में। पर ये दुनिया भर ना मेला कपड़ा है ना, बदू सब कुछ एक कर सब। मैं कहूँ कि गौरदादा में सगवर होगी तो फिर रुपया दे जाऊँ, बोले नहीं बापू तुम्हारा रोज जम्मा हुआ ना, हाँ रुपया हो तो ही ठीक से, हूँ ब्राह्मण छू तो मैं साधु छू, देखो इंसानियत मरी नहीं गई साहब, अने आ पृथ्वी हजी एटला माटे टकी छे, अभी है इसलिए टिके। प्रताप भाई, प्रताप भाई नाम है, बॉम्बे गेस्ट हाउस नो मालिक भी नो, तो एम न तलगाजड़ आवे हूँ एने प्रणाम करूँ, दादा ते अमने रोटलो खवड़ाव्यो छे, रोटलो खवड़ाव्यो। घणी घणी लॉज में तमे जमवा जाओ ने पीरसना पीरसवा वाला एटला गंदा होय छे, एक तो शुद्ध होवो जोईए, परोसने वाला शुद्ध हो, हर प्रकार से शुद्ध हो, एक दूसरा परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, पोते भूखे हो तो आपने पीरवानो पदार्थ ही पोते खाई जाए, जो भूखा है जो व्यंजन हमें परोसना है वो खुद खाई जाएगा क्योंकि वो भूखा है। तृप्त होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की ऐशना नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं, ये होना चाहिए। तीसरा गुलाब जामुन परोस, गुलाब जामुन में रस होता है ना, हम बिनू बिनू इसमें हम तो इन्हें हामू ही ना जो खबर नहीं गुलाब जामुन ने मैंने मारू शू बगाड़ू, मैं तो इन कहीं नहीं बगाड़ी, खबर नहीं मैंने जो ना एम कलकत्ता ना जो रसगुल्ला आए रस कहवा थोड़ा थोड़ा हो मैंने तो कहीं कहीं बीजू देखाय पण उपाड़वाला उपाड़ी जाए अर्धी बरणी उपाड़ी जाए मैं तो विरोध कर रहा हूं। रसगुल्ले में तो रस है जरा दबाओ तो टपकेगा, पीरसवा वाला नी आंख में ही रस होवो जोईए, डोळा काढी न पीरसाय। शास्त्रीय शब्द यूज करो, परोसने वाला आप्त जन होना चाहिए कि ये मेरा है मैं उसका हूं, इस बात जैसे माँ बच्चे को परोसे, जैसे कोई वैष्णव अतिथि को परोसे, आप्त जन होना चाहिए, आंख में प्रेम। रोटली खाशो एने तो थाली माथा में मराई नहीं, आ तो खाली हूँ कहू छू, थाली में गोबो पड़ी जाए ने एटली जोर थी मारी निकली जाऊँ थी, आऊँ कराई नहीं, आ तो आनंद है साहब खाशो। मारे एक भाई है हमें एने खवड़ावू बहु पण एम के खावाना के 10 मेहमान हो 40 लोगों की रसोई पड़ी हो लेकिन एनी वाणी जेवी, આપણે મોઢામાં કોળીએ ને તો એ જાણે આપણા માથા ઉપર ઢીકો મારવાનો હોય ને એમ ઊભો હોય, આપણને કે આ ખાવું કે ન ખાવું કે શું કરવું એવું લાગે આપણને। બાપ પરોસને વાલે કે આંખ મેં અમૃત હોના, વો આપ્તજન હોના ચાહીએ,
अब तो जब आगे उसके मन में हमारे प्रति स्नेह हो, हेल भरी आऊं उतावली, मारे हये रख न माए, मारे घर मेहमान आएगा। ઉપવાસ નડે છે, બીજું કઈ નથી નડતું, કાલની એકાદશી આડે આવે છે। परोसने वाले में भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पोतानो जो है त्यां वधारे पेलू करे, बीजू है तो भेद से मुक्त वक्ता केवो हो जाए, जेने भेदों ने मिटावी दीदा हो जाए। हर एक बुद्ध पुरुष समन्वयवादी होता है। जब तक समन्वयवाद ना आवे बुद्ध पुरुष में कमी है, चाहे वो युग पुरुष हो, बुद्ध पुरुष हो, परम पुरुष हो, धर्म पुरुष हो, संत पुरुष हो, कोई भी हो, इस समन्वय करते हैं। पतंजलि भगवान ने क्या दिया? मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, है ना? इधर ब्रह्म विहार बुद्ध में जाओ तो चारों सब समन्वयवादी होते, चारों वही के वही, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मेरे तुलसी के पास आओ, चारों जो बुद्ध बात करते हैं, जो पतंजलि बात करते हैं, वो ही मेरे गोस्वामी जी भी कहते हैं, चारों चारों, करुणा भी, मैत्री भी, उपेक्षा भी। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, चौथा क्या? मुदिता। मुदिता चार, ठीक है, उसको ब्रह्म विहार कहते हैं। बहुत कालीन स्थिति ब्रह्म, ये चार ब्रह्म विहार, पतंजलि का ये चार। मैं मानस को देखता हूं तो मुदिता मथे विचार मथानी, मुदिता शब्द गोस्वामी। लेकिन अरण्यकांड में संत के वर्णन की बात आई तब गोस्वामी जी एक ही पंक्ति में चारों की स्थापना करते। हर बुद्ध पुरुष समन्वयवादी होता है। क्या चौपाय है भाई? श्रद्धा, श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, ममता, मम पद प्री, मुदिता, मम पद प्री, अमाया, श्रद्धा, क्षमा, मैत्री। क्षमा का मतलब है करुणा, करुणावान क्षमा कर सकता है।
साधु कौन? श्रद्धा क्षमा करुणा मैत्री मैत्री श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया ममता मुदिता मम पद प्रीति अमाया मुदिता प्रसन्नता आठों पूरा आनंद करुणा मुदिता उपेक्षा। आगे की पंक्ति में कहते हैं ये छोड़ दे ये छोड़ दे ये छोड़ दिया ये उपेक्षा शब्द जरा तिरस्कार कर लेकिन यहाँ उपेक्षा है ये नहीं ऐसा करके हर बुद्ध पुरुष समन्वयवादी होता ही है होना ही चाहिए। तो बाप मैं तो आपको कुछ कहने गया उसके का तो साधु हमें खोज लेता है लेकिन वो पल आते ना जहाँ आप बदली गए हुई अपने त्यान हो बीजे हुई ना ना आ तो अँ जो होते ही ना आप बराबर उसको जब पकड़ने जाओ तो वो दूसरी जगह होता है कसूर। ऐसा एक शेर है सुनो ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी हम खोज लेते उसको और शहर में भीड़ भी इतनी नहीं थी मगर हमने खोजना छोड़ दिया तलाश छोड़ दी क्योंकि वो खोए नहीं थे बदल गए थे। खोवाणो हतो तो गोती पोतानू घेटू बुद्ध पुरुष गोती ले जाय पण त्यां तो बीजा नी जोख मां वयु गयो है। खोए नहीं थे बदल गए थे पल चुका खेल तो पल का होता है। मुझे अच्छा लगा तुम्हें ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी शहर में भीड़ इतनी भी न थी मगर हमने रोक दी तलाश हमने क्योंकि वो खोए नहीं थे बदल गए थे। क्या करें खोजने वाला बुद्ध पुरुष खाली हाथ लौट जाता है पकड़ने गया था। यही हमारी दिशा है हम सबकी स्थिति है। एक बीजो शेर संभाव मैं आ लख्यू से तो इतलू मारू तो सार्थक करो यार तुम्हें हाथों पाड़ो तो पी यार शू यार कोकनी मेहनत हम तो जुओ मारा अक्षर मैंने उकेलाता नहीं एटली मेहनत कर लेकिन एक बात याद करना कि मैं कुछ लिख कर आता हूँ तो मेरी दृष्टि से आपको परोसने जैसा होता है। हम कोई शेरो शायरी हम प्रणव को सुन ले किसी को सुन ले मौज कर लेते हैं आनंद कर लेते जिंदगी को आसान बनाइए जनाब ये तो मैंने कल बोल दिया था। जिंदगी को आसान बनाइए जनाब कुछ अपने अंदाज से कुछ नजर अंदाज ये भी आपका सुना हुआ है लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं लिख लिया। एक जरा सी बात समंदर को खल गई एक जरा सी बात कहाँ एक छोटी सी बात कहाँ समंदर एक जरा सी बात समंदर को खल गई कि एक कागज की नौका मेरे पर तर गई। समंदरों नी तकलीफ हो जा छे कि कभी रात लो आगल निकली गयो हम पंडित लोग समंदर दरिया बैठा था थे सागर बैठ और कबीर जिसको बोलना नहीं आता साधुकड़ी भाषा और कागज की नाव लेकर तैर गया और वो भी मेरे ऊपर कहाँ मैं समंदर यही तो तकलीफ है।
શેર બે ત્રણ વખત બોલવો પડે હો ભાઈ. આ કવિઓ આપણા ઉપર તૂટી પડે છે તો આપણે શું એને એનો. અચ્છા પહેલેથી શરૂ કર્યો પાછું. ઢૂંઢતો લેતે ઉન દોસ્તો કો હમ ભી શહેર મેં ભીડ ઇતની ભી નથી મગર રોક દી તલાશ હમને ક્યોંકિ વો ખોયે નહીં તે બદલ ગયે થે. હા હા એ ભી અચ્છા હૈ. મેને ભી કભી કહા હૈ કિસકા હૈ મુજે કભી ને આપને સુના. વો શખ્સ એક પલ મેં ટૂટ ફૂટ ગયા. વો શખ્સ એક પલ મેં ટૂટ ફૂટ ગયા જિસે તરાશ રહા થા મેં એક જમાને સે. ઇસકો મેં એક જમાને સે તૈયાર કર રહા થા વો એક મિનિટ મેં ફૂટ ગયા. કે મુજે એસા કહે દિયા મુજે ડાંટા જિંદગી ભર જિસકો તરાશા વો એક મિનિટ મેં ભાગ ગયા. બુદ્ધ કે ચાર સિંચ ભાગ ગયે થોડી ખીર કા દિયા મેં શું બગડી. ઇસમે ક્યા બિગાડા. દેહવાદી હો ગયે તથાગત ઉસને તો યે સબ કર લિયા યે કર લિયા ઓર ભાગ ગયે. બોલ યે ભી અચ્છા હૈ આપને સુના હોગા. મેં ખુદ કો ધૂપ સે કૈસે હટા લું. મેં ખુદ કો ધૂપ સે કૈસે હટા લું મેરે સાયે મેં કોઈ સો રહા હૈ. એક આદમી ખડા થા ઓર કોઈ ગરીબ કા બાલક સો રહા થા. અબ ઉસકો તો ધૂપ લગ રહી હૈ સોચા કે નિકલ જાઉં લેકિન મેં કૈસે નિકલું ક્યોંકિ મેરી છાંવ મેં એક બાલક સો રહા હૈ. ઇસકો કહેતે કરુણા. એક કરુણા એક કરુણા. મેં ખુદ કો ધૂપ સે કૈસે હટા લું મેરે સાયે મેં કોઈ સો રહા હૈ. યે ભી અચ્છા શેર હૈ સુનો. દેખો યે મેં પહેલી વાર પઢ રહા હું પહેલી વાર મિલા હૈ. ના હોશ મેં હું ના હી બેહોશ હું મેં. ના હોશ મેં હું ના હી બેહોશ હું મેં બહુત સોચ સમજ કર ખામોશ હું મેં. સાધના કા શેર હૈ સાહેબ. સાધના કા શેર હૈ. સાધના કા શેર ગઝલ કા નહીં હૈ સાધના કા શેર. ના હોશ મેં હું ના હી બેહોશ હું મેં બહુત સોચ સમજ કર ખામોશ મેં. હે ભલી બડી સબૂરી મેં મન લાગો મેરો યાર ભલા બુરા સબકા સુન લીજે. એક શેર ઇસે ભી અચ્છા હૈ બોલો તો ખરા. આ રસોઈ તો કિસી કે મેં પરોસ રહા હું ઓર કુછ નહીં. અચ્છા શેર પઢો. આપને તો પઢાઓ બેટા લેકિન મેં પહેલી વાર. કુછ ફાસલે એસે ભી હોતે હૈ. કુછ ફાસલે એસે ભી હોતે હૈ. કુછ ફાસલે એસે ભી હોતે હૈ જનાબ જો તય તો નહીં હોતે મગર નજદીકિયાં ગજબ કી રખતે હૈ. કુછ દૂરી ઇતની હોતી હૈ કે તય તો નહીં હોતી લેકિન નજદીકિયાં તો ગજબ કી રખતે હૈ. કુછ એસે ફાસલે હોતે હૈ. અચ્છા ઇસે ભી એક અચ્છા શેર. અચ્છા હૈ મિલન તું તો બોલ કાંક તો બોલ. તું કાંક તો બોલ કાંક તો બોલ. દાંત ચાહુંગા શોભિત દિશાએ રાડ પડે ખી જાય. અચ્છા સુનો. કહેને વાલો કા કુછ નહીં જાતા. બોલને વાલે કા કુછ નહીં જાતા. કુછ ભી બોલે. કહેને વાલો કા કુછ નહીં જાતા મગર સહને વાલે કમાલ કરતે હૈ. વાહ વાહ વાહ.
कहने वाले का कुछ नहीं जाता, उसको तो बोल देना है, गाली देना है, आरोप करना है, गैर समझ फैलानी है। सहने वाले कमाल करते हैं। इससे बहुत प्यारा शेर डॉक्टर साहब मैंने भाई के आने संताड़ी रखू आज बोलू नहीं है इसको। जहां भी देखे तो नहीं बोलू यसुदी सर की दाद नहीं मिले थे उसे। जहां भी देखे सब दुखी है, ये तो स्टेज पर मिला हुआ है यहां सामग्री। जहां भी देखे सब दुखी है क्यों, जहां भी देखे सब दुखे क्यों, औकात से ज्यादा सुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि औकात से ज्यादा सुखी है। जहां भी देखे सब दुखी है क्यों, औकात से ज्यादा सुखी है। ये भी बहुत अच्छा है। परोस रहा हो तुम मुझे मिले नहीं, चलो ठीक है। तुम मुझे मिले नहीं मिलन, जरा ठीक से ध्यान देना पड़ेगा ऐसे। तुम मुझे मिले नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अब मसला ये हुआ कि मुझे छोड़ के तुम्हें क्या मिला। तुम मुझे मिले नहीं, चलो ठीक है, अब मसला ये हुआ है कि मुझे छोड़ के तुम्हें क्या मिला। तुम अगर शिखरी समर्पण है। प्रेम करने वाला कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ तो एक तेरा हक है, कोई चिंता नहीं, भूल जाओ। लेकिन हमारी बात और है, क्योंकि हमने तो मोहब्बत की है। सजावी स्नेह पूरो साथियामा, वैर भूली ने बधी नफरत चढ़ावो माळियामा। कौन है लिखी जाए, कवि नाम नहीं, प्रणव तारू से खबर नहीं कोई मुक्यू से। कविता का शीर्षक है प्रेम नो पस्ताव। सप्तरंगो थी सजावी स्नेह पूरो साथियामा, अने वैर भूली ने बधी नफरत चढ़ावो माळियामा। मोहनो पर्दो हटावी भीतरे डोकियूं करो तो स्पष्ट देखाशे वसे से
वाल्मीकि पण वालिया में तमे जुओ तो खरा था गुजराती तोड़ी नाखे एवी भाषा तारे एक गाना त्रण कटका करे हरिद्वार गोस्वामी मोहनो पर्दो हटावी भीतरे ढोकियों करो तो स्पष्ट देखाशे वसे छे वाल्मीकि पण वालियामा सप्तरंगोथी सजावी स्नेह पूरो साथियामा वैर भूली ने बदी नफरत चढ़ावो वालिया रातना अंधार सामे जंगनु ऐलान करवा रातना अंधार सामे जंगनु ऐलान करवा आवती क्या थी हसे आ आग नाना आगियामा ना कशु शीखी शकायू विश्वना व्यवहार थी मैं हृदय काढ़ी ने मुक्यू छे मगजना हसिया में बोलो दाद दई तू जईश धीरज राख अंतिम शेर सुधी दाद दई तू जईश धीरज राख अंतिम शेर सुधी प्रेम नो प्रस्ताव मुक्यो छे मैं छेल्ला काफिया में ओलो जो शेर छे ने साहेब ये अहियां छे ई तो गजब नो छे इसको समान कोई तो लेनो है एक मिनट बापू मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ धन्यवाद बेटा और मेरे पति भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तीन बार तलगा जड़ा भी आए पर आपसे कुछ पूछ नहीं सकी बस रोती ही रही और एक बार आपसे बैरखा मांगा जो आपके हाथ से मिला बापू आपका बैरखा जीने का सहारा बन गया जब भी सहन शक्ति कम होने लगती है बैरखा पकड़ कर लेती हूँ अपने घर को बचाने मुस्कुराते हुए गलत से गलत भी सह लेने से अगर घर में खुशी और सुख शांति रहती हो तो सहना ठीक है। ठीक है ना बाप? हाँ बिल्कुल ठीक है, सह लो। एक अंतर्द्वंद्व चलता रहता है बापू मैं सही कर रही हूँ ना बापू? सावित्री माँ भी ऐसा करती थी, उसने लिखा है। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, आपकी एक फ्लावर। अच्छा कर रही बेटा, सहन कर लो, कोई चिंता नहीं, परिवार ठीक रहे। तुषार भाई नी कविता से जरा समझी पी कही तो मगर तेरे मुस्कुराने का असर मेरी सेहत पर होता है, तेरे मुस्कुराने का असर मेरी सेहत पर होता है और लोग पूछने लगते हैं दवा का नाम क्या है। अरे यार तालियां, कौन साये है खबर में?
मुस्कुराहट संजीवनी है। इनमें भी हमें और आपको कोई बुद्ध पुरुष की मुस्कुराहट मिल जाए, जिंदगी बन जाए, एक पल में जिंदगी बन जाए। तेरे मुस्कुराने में मुस्कुराने की असर सेहत पर होती है। और लोग मुझे बार बार पूछते हैं इस दवा का नाम क्या है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। तो ये तो मैं लिख आया था, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको परोस दूं। कल बापू कथा में बोल रहे थे कि सहज रहो, और सत्संग हमें सहज रहना सिखाता है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चले कि हम इस क्षण में सहज जी रहे हैं या असहज। सहज स्वभाव में के क्या लक्षण हैं बापू, प्लीज़ आप बता दो। मैं बहुत दिग्भ्रमित महसूस करती हूँ अपने को बापू। मैंने एक दिन अपने पापा को बोला कि हर समय क्रोध और शिकायत क्यों करते रहते हो। उन्होंने बोला ये मेरा सहज स्वभाव है। बापू ने बोला है, इसने पापा ने जवाब दिया कि मेरा सहज, क्योंकि बापू ने बोला है सहज रहो। बाप परोसने वाला आप्तजन होना चाहिए, परोसने वाला किसको परोस रहा है। 90 साल का है तो उसको प्रवाही ज़्यादा परोस है, और जिसके दांत मजबूत है उसको कठोर मेसुपोर परोस है। परोसने वालों को देखना चाहिए कि किसको क्या परोसना चाहिए। अथवा तो परोसना नहीं है, चलो बैठा है आप एक गन्ने का एक वो लेकर निकलो तो एक युवान एक बूढ़ा है, तो क्या करना चाहिए देने के लिए। युवान को टुकड़ा करके देना चाहिए और बूढ़े को रस निकाल कर देना चाहिए। ये पसंद क्यों होनी चाहिए। व्यास को जरूरत थी परोसने वाले की और मिल गया, और सुखदेव ने भागवत का रस। तो बात तो ये मलयालम पंडित की चली यार कि चतुश्लोक की पर्याप्त नहीं, बीज भी पर्याप्त है, लेकिन बीज से बरगद पैदा होता है। 18,000 श्लोक एक वेद के 4 वेद बना दिए। ये हमारे पर अनंत करुणा व्यास जी ने की है। तो कथा में क्या अंतिम दिनों में मुझे संक्षेप करना होता है तो धड़ाधड़ में भुसुंडी रामायण का, तो छोटा भी ब्रह्म है बड़ा भी ब्रह्म है। पंक्तियां गालो बेटा। Sagar
तन गुरुवर्यम को केंद्र बनाकर हम इनके केंद्र के चारों ओर रास ले रहे हैं। कभी ये कभी ये कभी ये, कोई निश्चित वो नहीं है, जो चला प्रवाह चलता है। अब संक्षेप करना पड़ेगा। कल तो राम जन्म का हमने जल्दी जल्दी वो कर लिया, लेकिन वो उत्सव तो मानस में लिखा एक महीने तक चला। आप यदि कहें कि भाई बापू ये तो आपने बिल्कुल संक्षेप कर दिया, राम जन्म का उत्सव, हाँ, तो जिस तरह मानस कहता है उस रूप में वर्णन करना तो एक महीना करना पड़े। तो एक महीने में तुम्हारी तीन कथा हो जाती है। क्यों उपाड़ो लीधो सी इस खबर नहीं यार, बे तो था नहीं, त्रण तो नहीं, पहला त्रण थती थे, तीन कथा 27 दिन में गाऊं। अमेरिका में तीन कथा बोलो, आनंद बहु आयो। कागज की नाव समंदर पर तर गई, कागज की ही नौका नहीं यार। हम कौन यार, मैं सोचता हूँ तो लगता है कि क्या है। नितिन भाई ठीक गा गए, लिख गए, पोथी नहीं परतापे क्या क्या हो गया। मैं और आप सब, आप भी मेरे श्रोता थोड़े कम थोड़े हैं, आते सब आते हैं तो पोथी के लिए ही आते हैं ना, क्यों आते हैं वरना। हाँ आते, बड़ी भगवत कृपा। बस तो एक महीने का उत्सव राम जन्म का हुआ और फिर दिन बीतने लगे। चारों भाइयों का नाम संस्कार करने के लिए वशिष्ठ जी पधारे और चारों को नामकरण करते हुए गोस्वामी जी की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध गा ले। जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर उत्सव मनाया गया नामकरण संस्कार का। भगवान वशिष्ठ जी को प्रार्थना की गई, धर्य नाम जो मुनि गुनि रखा, आपने जिस तरह सोचा हो वो नाम आप मेरे कुंवरों का रख दीजिए। भगवान बालराम के सिर पर हाथ रखते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, सुख का समूह है, सुख की खदान है, सीकर ते त्रैलोक सुपासी,
इसका नाम मैं राम रखने जा रहा हूँ, जिसके प्रताप से जगत को आराम मिलेगा, विराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, धन्य हो जाएगा। सबने इनामकरण में परमात्मा भगवान राम का नाम जो रखा गया, जय घोष हुआ। राम के समान वर्ण स्वभाव सब कुछ मिलता, ऐसे इस बालक कैकेयी नंदन जो है वो जगत में किसी का शोषण नहीं करेगा, सबका पोषण करेगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। ये सबको भरेगा, शोषण नहीं करेगा, इसलिए भरत। जिसके नाम स्मरण से अथवा तो जिसके नाम के आचरण से शत्रु नहीं शत्रुता मिट जाएगी, दुश्मन नहीं दुश्मनी का अंत आ जाएगा, वैरी नहीं वैर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इस बालक का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। मेरा इस पंक्ति पर बल रहा इसलिए कि आप किसी से भी दुश्मनी न रखो तो भी लोग तो दुश्मनी रखेंगे तो क्या करेंगे, दुश्मन मर जाए नहीं, और भजन बढ़ाओ दुश्मनी मर जाए, वैरी खत्म हो जाए नको, वैर समाप्त हो जाए। वैर के सामने वैर लगाने से तो बुद्ध कहते हैं आग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, घी डालो अग्नि में तो आग बढ़ती ही जाएगी, वैर से वैर का शमन नहीं होता। शत्रुघ्न नाम से दीप ज्योति, हम मैं बार बार कहता हूँ कि जब कई उत्सव में दीप प्रज्वलित किया तो हम क्या कहते हैं, शत्रु बुद्धि विना शत्रु का नाश नहीं, शत्रु की बुद्धि का नाश हो, दीप ज्योतिर नमोस्तुते, शत्रु बुद्धि का नाश हो। ये कितने कितनी सोच है ऋषि मुनियों की, कहाँ कितनी ऊंचाई पर ले जाते। भजन करने वाले से कई लोग दुश्मनी कर भी सकते हैं, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, दुश्मन सीधी बात बस। बाप और समस्त सद्गुण का धाम, लक्षण का धाम, शेष नारायण के रूप में पूरी जगत और पूरी सृष्टि को सिर पर रखने वाले शेषावतार, लक्षण धाम सुराम पर राम को अत्यंत प्रिय ये बालक सुमित्रा का बेटा और परम उदार है, उसका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। चारों भाइयों का नामकरण किया और गोस्वामी जी की पंक्ति, से विचार करके गुरु ने चारों कुंवरों का नामकरण किया और कहा कि ये वेदों के सूत्र है, वेद के तत्व है, वेद का सार है, चारों वेद का एक एक महावाक्य है, ये चारों एक एक महावाक्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ा उत्सव हुआ, दिन बीतने चले, परमात्मा की छोटी बड़ी लीलाएं चली, अब कुमार अवस्था आई तो माता गुरु पिता सब ने चारों कुंवरों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। और यज्ञोपवीत उस समय में, यज्ञोपवीत के बाद गुरु के आश्रम में, पहले जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक एक गृह में रहते हैं बालक, हमारी प्राचीन पद्धति, और यज्ञोपवीत के बाद गृह में नहीं रहते, गुरु के गर्भ में रहता है, गुरुकुल चल जाते। हमने तो 9 महीना रखा, अब पूरी जिंदगी के लिए तू उसको पका गुरु, तू उसको पाकर गुरु के गर्भ में उसको रखा जाता है। भगवान पढ़ने गए, ये तो ब्रह्म है जिसके श्वास श्वास में चतुर्वेद है, उसको क्या पढ़ना पढ़ाना, जगत को बताया
कि किसी गुरु के आश्रय में जाए जाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अल्पकाल में सब विद्या भगवान के पास शरणागत हुई और जो विद्या पढ़ी है वो अब जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं। कभी कभी हमारे पास विद्या स्वाध्याय के रूप में आती है, सदाचरण के रूप में नहीं आती। मातृदेवो भव तो हम सब बोलते हैं, पितृदेवो भव ये तो उपनिषद ही मंत्र है, आचार्य देवो भव अतिथि आदि आदि, लेकिन ये बोलने में न रह जाए। भगवान राम जो उपनिषद के सूत्र गुरु जी से सीखे वो बिल्कुल चौपाई में उतार करके बता देते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य, और गोस्वामी जी की पंक्ति प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, कुल में तो प्रातः काल में उठना होता है, घर में आकर के फिर भगवान ने वही सिलसिला चालू रखा। गुरुकुल में तो 5 बजे घंटी बज जाए, कहीं गुरुकुल में 3:30 बजे बच्चों को, मैंने ऐसे मेरे कहीं ऐसे मैंने प्रार्थना की कि 3:30 बजे आप बच्चों को नहीं जगाओ प्लीज़, यानी ऊँघ पूरी थवा दो, ये हिंसा है। थोड़ा ओछू भणत कहीं बगड़ी नहीं जाए, आप भणावी भणावी बगाड़िया है। नैमिष में कहता थी ना, नैमिष ये गुरुकुल, ये हमारा श्रोता था उसके आचार्य, मैंने कहा कि सतवा बाबा, मैंने कहा ये तो मुझे मेरा मत लो तो ये ठीक नहीं, कम से कम 6 बजे या तो उसको जरा आराम तो करने दो। तो गुरुकुल में तो लोग जबरदस्ती भी ऐसे जागते, लेकिन घर आने के बाद ओशो का एक सूत्र पकड़ लेना कि साधु जागे ईद प्रातः काल, कितना वागे जागे ही नहीं जुआ, वो जागा वो ही प्रातः चौथो प्रहर वो जागा, वो ओशो का, ओशो तो गजब कर देते ना यार जागे। पंचमी माता जी ने भी कहा रात रहे जाहरे पाछली खटघड़ी, साधु पुरुषे सुई न रहो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाव ही माथा। अब तो भगवान इतने कुमार अवस्था से भी आगे बढ़ने लगे और अपने वयस्क अपनी उम्र के अयोध्या के जो युवक थे उनके साथ भगवान सरजू के तट पर खेलने जाते हैं। राजकुमार है लेकिन सबके साथ ये जो समन्वय है, गेंद से खेलते हैं, दो दो टुकड़ी बनाते हैं, ऐसे पद भी मिले हैं इसमें, हमने सामने एक टुकड़ी के नायक भरत होते हैं, एक टुकड़ी के नायक राम होते हैं, और जब बनाने खिलाड़ियों को वो करना होता है तो लक्ष्मण जी तो कोई नियम नहीं निभाए ना, बोले राम जहाँ उस पार्टी में मैं, अरे सब कहे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ये तो नहीं, तो हम नहीं खेल में आएंगे, और फिर शत्रुघ्न को भरत की ओर रहना पड़ता। सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, गेंद से खेलते हैं, तो भगवान राम ने गेंद फेंकी तो सामने पार्टी में सामने टीम में भरत लीडर है, तो भरत ने भगवान के ओर से जो गेंद आई उसको जोर से फटकारी राम की ओर फेंक दी। दर्शकों को सरजू के तट पर लगा कि भरत के मन में राम के प्रति रोष है, राम को हराना चाहते। लक्ष्मण जी के मन में भी शंका हो गई कि ये भरत कितना रोष है, आप गेंद फेंकते हैं तो इतने जोर से। बोले लखन निर्णय न कर, ये संत है उसके हर क्रिया में कुछ न कुछ संदेश हो सकता,
खेल पूरा होने के बाद भरत जी को जब पूछा गया कि आपके मन में प्रभु के प्रति इतना खार है कि भगवान ने, बोले खार मेरे मन में क्या होता है, तो फिर फेंक दी। मैं इसीलिए कि ये गेंद ईश्वर का शरण छोड़कर मेरी शरण में क्यों आता है। साधु तो लौटा देते हैं कि जहाँ हो वहाँ रहो, क्यों भटक रहा है, मैं तो जीव हूँ, इसलिए फेंक देता। तो फिर राम जी को पूछा कि तो फिर आप भरत के प्रति क्यों, बोले मोते संत अधिक करी लेके, मेरे में नहीं तुम ते अधिक गुरु ही जिए जाने। राम कहते हैं कि नहीं तू उसके शरण में जा, उसकी शरण में जा। ऐसी सुंदर क्रीड़ा लीलाएं मानस में चलती है। हिंसक प्राणी अयोध्या के अगल बगल के वन में जहाँ साधु संत साधना करते हैं और हिंसक प्राणी उसको बाधा करते हैं, ऐसे हिंसक प्राणियों का प्रारब्ध पूरा था, पूरा होने का था, इसलिए मारने के लिए नहीं तारने के लिए भगवान अगल बगल में सबका उद्धार कर रहे हैं, सबका निर्वाण कर रहे हैं। तुलसी ने लिखा है जय राम बांध के मारे, जय राम बांध के मारे, ते तनु तजीव ढांक सिधारे, ते तनु तजीव ढांक सिधारे। जो जीव परमात्मा के बाण से जो गिरता है वो निज लोक में निर्वाण पद को प्राप्त है। राम बाण भाग्या वही ही जाने, बोला मूर्ख मन में शू माने राम बाण कोने कोने लागे, ये पास गुजराती में लिखी हुई है नहीं अपने चरणी तो बाप वडोदरा नहीं कथा थी, अरे भावनगर राजकोट नहीं कथा, यार आ राम बाण वागे मैं बहु गायो, अने अपना भट्ट साहेब भट्ट भाई था ना, हसमुख भाई भट्ट भट्ट नहीं भट्ट ई वायोलिन में था बहु, अने पछी ई पाछो राते ई कैसेट हूँ हाँ बोलतो हतो, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, ऐसे ऐसे होता है। अरिसा में अपना दर्शन करके जैसे ठाकुर नाचते थे, जैसे कन्हैया नाचता था, आनंद आता था। खैर छोड़ो, उसी समय राजकोट रेडियो स्टेशन में मेरा एक तुलसी का पद रिकॉर्ड हुआ, उपेंद्र का मामा त्रिवेदी अपना परेश ने तो अजो क्या करताल ने चित अचानक तड़ेटी समीपे, अशु राजेंद्र शुक्ल केटलू हूँ तुम्हारा माटे भरी राखू छू बाबा, भरू भरू नहीं आवे छे। जसराज जी को किसी ने पूछा कि आप ऐसे हाथ क्यों करते हैं, बोले जैसे जैसे चार पांच चीज अगल बगल में पड़ी, आँख चेक करे नहीं ये कोई लुकात नाखे, अने ये पास केम देखाए थे पास बीजू लई नाखे बीजू एम एनी पास गणी। एटला अच्छे गायक के पास सुर तैयार होते हैं, इसको पकड़ना होता है, शब्द पकड़ना होता है, फिर फेंकना होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड हुआ था, अभी भी कभी कभी रेडियो रेडियो स्टेशन बजाते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय धारण में गया। हम तो मुझे मैं रेडियो स्टेशन या आकाशवाणी परीक्षा देवा गयो त्यार मैं नापास करो, तो हमें डबला लाइन मारी वहाँ वहाँ पर है सके मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में तो आकाशवाणी के मैं स्वर वो देने गया, परीक्षा गया था, मुझे पोस्ट कार्ड आया था राजकोट स्टेशन से कि आप आओ, मैं गया, हेमू भाई गढ़वी था उसका निकलना मेरा अंदर जाना। उस समय तो क्या कमरे में बैठा देते हैं और वो संकेत करते हैं सामने, वो होता है ऐसा था आपका, फिर मैंने कि दो अंदर थे ओला भाई की दो मैं तो सुरमा लीधेलू, मैंने खबर नहीं पड़े हमें शू थ
कहीं लंब चालू नहीं। मैंने कीधु कि ते जाई सको छो, उछी ना लाइन बस में गयो तो राजकोट अठवाडिया पोस्ट कार्ड आयो के तमने पास नहीं करवामां आव्या, अने हवे केवुं केवुं जीवन आम केवुं आपणने केवा रमकर राम केवा आपणने रमाडे छे साहेब, एक ए भी समय था। आजे तो ओलू नहीं ओलू स्कूलमां करे ने डबला लई लईने आठ आठ दिवस तलगाजड़ा हाउसिंग बोर्डमां बेसता था, हाउसिंग बोर्डमां हूँ रहेतो त्यां आ परेश ने बधा आठ आठ हरीशभाई तो साक्षी छे, आखू रामायण एमने मारी पासे रेकॉर्ड करेलू पूरा रामायण, एक एक प्रसंग बिना संगीत, ये बधुं ए भी एक समय था, ये भी समय है बहुत। अभी बदरायु भाई और आकाशवाणी वाले और पीछे लगे है कि वो क्या रिकॉर्ड रखना है बापू, एक वक्त तीन चार दिन दे दे, ये फिर कायम ही रह जाए तो मैंने कहा देखूंगा समय, वो मैंने आड़ चढ़े मैं क्या आपने बदू कर प्राप्त पर्याप्त है, फिर भी देखेंगे। तो वहाँ ही राम बाण भाग्या हो जाने बोल दो तो बाप समय बहु बधु बहु सर एक महाभारत को थोड़ी बात करूं। महाभारत गुरुपुत्र अश्वत्थामा जब आता है छड़ीदार आगे आगे चलते सावधान सावधान सावधान, गुरुपुत्र का आगमन हो रहा है, हाथणियों कलश ले लेने अभिषेक करना बैठे, मंजर बड़ा प्यारा व्यास जी अंकित करते हैं। अप्सराओं को शर्मिंदी कर दें ऐसी सात्विक नृत्यांगनाएं गुरुपुत्र के सम्मान में नर्तन कर रही है। माद्री पुत्र सहदेव और नकुल संवर ढोल रहे, गुरुपुत्र आ रहे, गुरुपुत्र आ रहे, गुरुपुत्र आ रहे, धर्म अगवानी कर रहे, अर्जुन पीछे चल रहा है, गुरुपुत्र आ रहा है। द्रौपदी आरती का थाल सजाकर खड़ी है गुरुपुत्र के सामने, क्या सम्मान का वर्णन है। वो दिन वह था और एक दिन वो भी था कि वही अश्वत्थामा को बांध कर लाया गया पांडवों के पास। समय समय समय, आदमी सदाचारी हो तो माहौल दूसरा होता है और कभी प्रतिशोध के लिए कदाचारी बन जाता है कभी, तो वही गुरुपुत्र को मुस्क टाट बांध कर लाया गया खींच करके। एक एक ख्वाहिश इच्छा ये आदमी को भ्रष्ट कर देती है। गुरुपुत्र के मन में एक ही एक सबका सबका कोई लक्ष्य होता नहीं कि मैं ये हो जाऊं तो बस, कई लोगों को तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊं तो ठीक, कई लोगों को कि मैं ऐसा वक्ता बन जाऊं तो बस खत्म, कईयों को होता है कि मैं चुनाव में जीत जाऊं तो, सबका अपना 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 एक लक्ष्य होता है, एक दरी उनके पीछे घूमते रहते हैं इसकी चारों ओर। महाभारत में ऐसे कई पात्र मिलते हैं जो कुछ मनोरथ लिए जी रहे, इसमें इस गुरुपुत्र थामा के एक मनोरथ था दुर्योधन मुझे सेना का सेनापति बनाए। और आप जानते हैं महाभारत का अंतिम जो संघर्ष हुआ है ये भीमसेन और दुर्योधन का हुआ है, गदा युद्ध।
मंदराचल पर्वत और मेरू पर्वत की चट्टाने एक दूसरे से टक्कर खाए और जो आवाज आए, इतनी आवाज जब दुर्योधन गदा उठाता था और भीमसेन गदा उठाता तन खा जरता था। युद्ध के नियम का भंग हो तो हो, भगवान कृष्ण ने भीम को संकेत किया जांग पर हाथ रखते हुए, वहां मार, कटी से नीचे प्रहार करने की युद्ध नीति में मना है। एक क्षण तो भीमसेन को हुआ, तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर, दापण नहीं कर मारी सामने, ये भूल है, ये अधर्म है, ये बाद में निर्णय किया जाएगा अधर्म क्या है। दुर्योधन गिरा और उसी समय ये जो मन में एक इच्छा थी कि मुझे सेनापति बना दिया जाए, जांग से रक्त निकल रहा है, दुर्योधन ने इस रक्त लेकर अश्वत्थामा के भाल में टिका करते हुए कहा, कौरव की सेना के आप सेनापति। परंतु लेकिन कभी कभी अपना मनोरथ किसी से मिल पूरा भी हो जाए लेकिन बेहोश भी बना देता है। युद्ध तो पूरा की बात थी, अब ये सेनापति पद का उपयोग कैसे करे, और गया पांडवों की शिविर में रात को। द्रौपदी के पांच बालकों की हत्या कर दी, फिर तो कथा बांध कर लाओ, उसका पानी उतार लिया, आदि आदि भटकेगा चिरंजीवी के नाम से, दीर्घायु के नाम से तू भटकता रहेगा, और बांध करके द्रौपदी के पास उसको लाया जाता है, जिसके पांच बाल, खानदानी देखो, पांच बालक को मारे गए और वो गुरु पुत्र को बांध कर लाया गया द्रौपदी। मुच्यताम 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 मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा गुरु पुत्र, ये अपना गुरु नो दिख, बेहोशी में उसने हत्या कर दी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। समय कैसे बदलता है। एक बार जिसका ऐसा स्वागत होता था, एक बार इसके बांध करवाते हैं। महाभारत बहुत बड़ा जीवन दर्शन है, बहुत बड़ा जीवन दर्शन। तो बाप हमारी ये संवाद, भगवान मारते हैं मारने के लिए नहीं, निर्वाण देने के लिए, जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया था उसको प्रभु समय पर निर्वाण प्रदान करते हैं। राम का स्वभाव ही नहीं कि किसी को मारे, ये स्वभाव ही आपका नहीं है बाप। अब यह सब चरित्र कहा मैं गाई, ये चरित्र ये दिव्य लीला में गाकर सुनाई, तुलसी कहते हैं। अब शम आगे की कथा सुनिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्धी पंक्ति में चरित्र शब्द है, अर्धाली में कथा है। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अब आगे ली कथा सुनो मन ल, इसका मतलब तलगा जड़ा को लगता है जो चरित्रवान होता है उसकी ही कथा होती है, जो चरित्रहीन होता है उसकी कथा नहीं होती। अब आगे की कथा सुनो, मार्ट करो। विश्वामित्र महा
कहीं भी पीना सुबह विश्वामित्र महाराज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, मारीच सुबाहु बाधा बनते थे। गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप्त हो गई कि परमात्मा के बिना ही मरेगा नहीं। मैं श्राप दूं तो मार तो सकता हूं लेकिन तार तो नहीं सकता। अब ऐसी कोई अवतारी पुरुष की जरूरत है जो मारे भी और तारे भी, ऐसा कौन है? और ध्यान का फल दर्शन है। एक बार ध्यान में बैठे और देखा कि अयोध्या में राजकुमार के रूप में जो आया है वो ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को पाने के लिए मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना और आज वो ब्रह्म क्षत्रिय के घर बेटा बन गया। नाथ जात के वेद तुलसी ने तोड़ दिए। मैं अयोध्या जाऊं दशरथ जय मांगू दशरथ से और राम लखन को ले आओ। चिंतित विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं। बहुत बड़ा सम्मान हुआ, अपने आसन पर दशरथ जी ने आपको बिठाया। लेकिन इन दो वाल्मीकि में जाए और तुलसी के रामायण में जाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है। पहला अंतर तो ये है कि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते हैं, तुलसी कहते हैं सिद्धाश्रम नहीं शुभ आश्रम में रहते हैं। ये थोड़ा परिवर्तन करते हैं, बहुत परिवर्तन है। मानसकार कहते हैं कि सीता जी का अपहरण करने के बाद उसको अशोक वन में जानकी को रखा, वाल्मीकि मना करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं रावण ने सीता को अपने अंतःपुर में रखा है। वाल्मीकि का सुंदर कांड देख लीजिएगा, अंतःपुर। हाँ चौक्स वहां लिखा है कि रावण के अंतःपुर में एक प्रमदावन था, उसका नाम है अशोक वन नहीं प्रमदावन। प्रमदावन ये जरा ऐसा आदमी था तो जगत भर की सुंदरियों को इस प्रमदाओं का वन था, वहां ये विलास आदमी रहा। जानकी को अंतःपुर अंतर्गत प्रमदा वन में रखा है और राक्षसियों को नियुक्त की है, वो डराती रहती है डराती है। ये सब कथा सुंदर वाल्मीकि के सुंदर कांड का हनुमान जी भगवान राम को लौट कर बताते हैं। जब भगवान राम पूछते हैं कि हनुमान सीता को आपने कैसे देखी, वो क्या कर रही थी, जानकी के समाचार सुनते ठाकुर जी की आंख में अश्रु पर और लखन भी रो पड़े। तू जल्दी बता जानकी वहां कैसे रह रही, वो कहाँ रहती है, किस स्थिति में है। और हनुमान जी पूरी माँ की कथा सुनाते हैं ठाकुर जी को कि ऐसा 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 सुंदर वर्णन आता है, सुंदर वर्णन। भगवान मैं पूरा तो नहीं बोल पाऊंगा, अभी मैं दृश्य देखा है। बोले नहीं तू साफ साफ बता तूने क्या देखा, बातचीत क्या हुई। सुंदर पढ़ने जा वाल्मीकि का सुंदर कांड कथा सुना। और भगवान जब विनय करते हैं हनुमान जी को तू कथा सुना सीता चरित्र सुना, तब कहते हैं कि महाराज मैं बंदर क्या सुनाऊं। बोले नहीं ऐसा मत बोल तू सुना, क्योंकि इस दुनिया वाल्मीकि रामायण इस दुनिया में तीन ही ऐसे हैं जो कितना ही चौड़ा समंदर हो पार कर सकते हैं। यहाँ तो सतजो जन है लेकिन पूरा समंदर यदि सप्त सिंधु को पार करे ऐसे तीन ही है। भगवान बोल रहे इसमें एक है गरुड़ वैनते, दूसरा है तेरा पिता वायु वायु, और तीसरा है तुम। इसलिए मैं तुम से चाहता हूँ कि तुम मुझे कथा सुना, तुझमें सामर्थ्य है कि तू सागर पार। ये तो छोटा था हनुमान जी के लिए, थोड़ी खाड़ी थी, बाकी तो विराट सागर को नांगने की जिस अंजनेय में शक्ति और वैनतेय में जो शक्ति है गरुड़ में है। और तो बड़ा सुंदर संवाद वहाँ वो बताते हैं, पूरा इतिहास बताया। फिर क्या कहा,
बोले प्रभु रोती हुई जानकी जी ने चूड़ामणि का, उसका नाम है चूड़ामणि का, उसका जन्म जल से हुआ था, समुद्र के जल से एक रत्न निकला, उसका नाम तुलसी की दृष्टि में चूड़ामणि। और इंद्र उसकी पूजा करता था, ये रत्न जो इंद्र उसके पूजता था, महाराज जनक के यज्ञ याग, महाराज जनक के कर्म योग में, वैसे तो ये परम योगी है विदेहराज, लेकिन तीनों धारा में बहे हैं, तो कर्मयोग में इतने यज्ञ किए जनक जी ने, यज्ञ के फल स्वरूप इंद्र ने ये चूड़ामणि जनक को दिया। और जानकी जी का ब्याह हुआ तब जनक जी ने ये चूड़ामणि किशोरी जी को दे दी कि बेटी ये चूड़ामणि ला। तो रामचरितमानस में ये चूड़ामणि का, देखो मानस का ये अभ्यास भी जरूरी है कि मानस में किसने किसको क्या क्या दिया, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। अब देखो भगवान राम ने पादुका दी, ठीक है, स्पष्ट रूप है, प्रभु करी कृपा बावरी दे पादुका दे। अब राम जी ने ये तो केवट को पादू भरत को पादुका दी, लेकिन राम जी ने हनुमान को क्या दी, मुद्रिका दी, मुद्रिका दी। लेकिन लक्ष्मण जी ने रावण को क्या दी, पत्रिका दी। सुख सारण को कहा मेरी पत्रिका रावण को देना, उसको करना पड़ा, तो कहाँ मुद्रिका, कहाँ पादुका, कहाँ पत्रिका। ब्रह्मा जी ने जनकपुर में सीता जी का ब्याह होना था तो क्या दिया, लग्न पत्रिका, विधि नमाक्षर शुक्ल पंचमी गोरज बेला, लग्न कर दो, शादी कर दो। ये सब जो किसने क्या क्या दिया, अरे सुनो, भगवान राम ने सुग्रीव को क्या दिया, किष्किंधा। राम मिलाई राजपद्दी ना, अरे छोड़ो, विभीषण को क्या दिया, लंका, उसको लंका दी। लेकिन हनुमान जी ने राम को क्या दिया, भगवान ने तो मुद्रिका दी, सीता जी ने चूड़ामणि दिया, लेकिन हनुमान जी ने भगवान को क्या दिया, हनुमान जी ने पीठिका दी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आओ मैं आपका वाहन बन जाओ। तो मानस का यह अध्ययन भी जरूरी है। कभी कभी ऐसे चल पड़ता हूँ तो सोचने लगता हूँ कि किसने किसको क्या दी, इतना बड़ा फहरिस्त निकलती है, बड़ा नौंद निकल सकती है कि किसने क्या दिया। रावण को निर्वाण दिया, तुम हूँ दियो निज धाम, महारानी फिर पाट महिषी बनी मंदोदरी। फिर तो वाल्मीकि में ये चूड़ामणि के बारे में थोड़ा ये जिक्र मिलता है, वो जल की ये रथ जल से निकला हुआ। तो यहाँ सिद्धाश्रम है, यहाँ शुभाश्रम है। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी ताड़का को निर्वाण पद दे करके आ जाते हैं आश्रम में। दूसरे दिन यज्ञ प्रारंभ होता है, राम लखन यज्ञ को सफल करते हैं, मारीच को बिना फणे का बाण मार करके, अभी भगवान की लीला में मारीच की जरूरत है इसीलिए लंका फेंक दिया सागर के तट पर। सुबाहु को अपनी सहाय के साथ निर्वाण पद दे दिया। कुछ दिन भगवान विश्वामित्र के यज्ञ में आश्रम में शुभ आश्रम में रहे। फिर एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ तो ये यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन एक यज्ञ जनकपुर में हो रहा है जिसका नाम है धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ। बोले हाँ, हम जाएं वहाँ। और रास्ते में एक बहुत बड़ा महत्व का यज्ञ भी संपन्न कर रहा है तुलसीदास की चौपाई।
धनुष यज्ञ की बात सुनते ही हर्षित होकर भगवान राम लखन सह विश्वामित्र और मुनि मंडली के साथ पद यात्रा करने के आगे निकले जा रहे हैं। रास्ते में एक आश्रम आया, खग मृग जीव जंतु कोई एक सन्नाटा स्थान। आश्रम में न छात्र है, न शास्त्र है, न गाय है, कुछ नहीं, न गुरुकुल के कोई विभाग नहीं है, कुलपति भी नहीं है, एक पत्थर चट्टान में कोई पड़ा है। भगवान के कदम वहां रुक गए और प्रभु ने जिज्ञासा की विश्वामित्र जी से कि भगवान ये किसका आश्रम है और ये कौन है? उपल देह, पत्थर देह, चट्टान देह, वायु भक्षा बन करके कौन ये पड़ा है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव एक गौतम ऋषि का आश्रम है, एक गौतम की नारी है जिसका नाम अहल्या है, श्राप के कारण पत्थर देह हो गई है, आपके चरण कमल की रज मात्र चाहती है, अहल्या के कर्म का हिसाब मत करना, कृपा करहु रघुवीर, कृपा कर दो। कर्म का हिसाब करोगे कि क्या हुआ, किस कारण ये हुआ, इसमें न जाओ। साधु एक जिसको समाज पतिता कहते हैं उसके पक्ष में खड़ा रहा, ये साधु का काम है। प्रार्थना कर रहे राम को, तुलसी ने लिख दिया, श्रापित है, बचाव किया है, पाप नहीं है उसका कोई, श्राप लगा इसलिए है, कितना बचाव कर रहे हैं साधु, आपके चरण की रज मात्र अब कृपा कर दीजिए महाराज, धन्य हो जाए। मेरे भाई बहन, मेरे पास बहुत भाई बहन आते हैं, कहते हैं बापू हमर से ये भूल हो गई, हमसे ये भूल हो गई, फला हुआ फला हुआ, जो किसी को न कह सके वो व्यासपीठ को बोल देते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हो गया हो गया, यहां कौन भूल नहीं करता, लेकिन जिन चंचलता ने हमें थोड़ा विचलित कर दिया, वही चंचलता स्थिरता में परिणम है कि अब ये हम इस मार्ग में हम नहीं जाएंगे, तब हमें अयोध्या जाना नहीं पड़ेगा, अयोध्या का राम पैदल चलता हुआ आएगा। कितनी बड़ी व्यवस्था है हमारे यहाँ, और ग्रंथों में और मार्गों में पातकी को जो सजा के विधान है, बहुत भीषण विधान है। यहाँ चरण कमल रज चाहती, केवल कृपा उद्धार हो जाएगा, हमें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर वाला आएगा, तो बड़ा आश्वासन है। हम लोगों को डिप्रेस होते बचाता है अहल्या का प्रकरण, पर भगवान राम ने अपनी चरण रज
वो स्वामी जी तुरंत लिख देते हैं, पर सत पल पावन सुख रसावन करत रहि तप अपुंज सही पाषाण से मूर्ति प्रकट हुई और परमात्मा को देखते ही कृतकृत्य हो गए, प्रेम में अधीर हो गए, शरीर पुलकित हो गया, जुगल नयन जलधार वही दोनों नेत्र बरस पड़े। भगवान ने अहल्या का उद्धार किया, गौतम ऋषि गोना करके आए, अहल्या को पुनः स्थापित किया। वहीं से भगवान आगे बढ़े यात्रा में, गंगा स्नान किया, गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी से सुनी, तीर्थ के देवताओं को दान आदि दिया, वंदना की और भगवान जल्दी विदेह नगर पहुंच गए। एक आम्र कुंज में मुनि गणों के साथ प्रभु रुके, पता लग गया, समाचार मिल गया राजभवन में कि विश्वामित्र जी पधारे। जनकराज, उसके दीवान आदि, मंत्रिमंडल के सदस्य, गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, ये सब विश्वामित्र का सम्मान करने के लिए अम्रकुंज में आते हैं। उस समय राम लक्ष्मण दोनों कहीं अम्रकुंज में घूम रहे थे, यहाँ जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, कुशल अंतर पूछी और जनक जी विश्वामित्र जी के पास बैठे। उसी समय तुलसी राम की एंट्री बताते हैं, एक महात्मा की ये योजना थी कि राम मेरे पास बैठे और जनक आए हैं तो राम को उठना पड़ेगा, ये मर्यादा निभाते हैं, शीलवान है तो उठना पड़ेगा। विश्वामित्र सोचते हैं कि कोई ऐसी योजना बने कि जनक मेरे पास बैठे और राम आए हैं तो जनक खड़े हो जाए, ऐसी योजना बनाई। और भगवान विश्वामित्र और जनक की बातचीत चल रही, उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं,
समय दोनों भाई बाग में घूम रहे थे आए, और जैसे राम लखन आए और राम को देखते ही सब खड़े हो गए। वो स्वामी जी कहते हैं, सुंदर जोड़ी देख करके विदेह राज विदेह विशेष रूप में विदेह हो गए। विश्वामित्र जी से पूछने लगे कि हे नाथ, ये सुंदर बालक कौन है? ये मुनि कुल के कोई तिलक है कि राजकुल के पालक है? संतों ने उसका अर्थ निकाला। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसी चुक क्यों करते हैं? एक और आप कहते सुंदर दो बालक, और दूसरी ओर कहते हैं इंद्रपकिल पालक। बालक कभी पालक नहीं होता, और पालक कोई बालक नहीं होता। बालक कोई पालक थोड़ा हो सकता है, और पालक कोई थोड़ा बच्चा थोड़ा हो सकता है। और संतों से सुना, एक बार तुलसी और सूरदास जी मिले, और एक हाथी पागल हो गया। हाथी नशे में चूर दौड़ा। अब सूरदास तो प्रज्ञाचक्षु है, तुलसी जी तो देखते हैं, तो सब चिल्लाने लगे, भागो भागो हाथी पागल है। तो सूरदास जी को आंखें नहीं थी तो भी वो भागे, और तुलसीदास जी बैठे रहे। सबको आश्चर्य हुआ, हाथी तो महापुरुष है, तो परिक्रमा करके चला गया। और फिर सूरदास जी और सब आ गए। अब तुलसीदास जी कोई अपना विशिष्टता अपनी महत्ता दिखाने के लिए नहीं, लेकिन रहस्य जानने के लिए पूछे सूरदास जी को कि महाराज माफ करिएगा, समझ में नहीं आ रहा कि हाथी पागल होकर आया, आपको तो आंख नहीं है, दिखता नहीं, फिर भी आप भागे, और मैं नहीं भागा, इसका मतलब मैं आपसे विशेष हूं, ऐसा मुझे कहना नहीं है, रहस्य जानना। आप क्यों नहीं भागे और मैं क्यों बैठा रहा? सूरदास जी ने कहा, मेरा इष्ट कृष्ण है और वो बालक है, उसका तो ध्यान मुझे रखना पड़ता है, वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा और हाथी मार देगा, और तुम्हारा राम तो धनुर्धारी पालक है, इसलिए आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं। हाथी कुचलने के लिए आया तो वो तुरंत धनुष मान चढ़ाएंगे। तो बालक और पालक शब्द को एक पंक्ति से उठाकर संत लोग ऐसे ऐसे मधुर अर्थ दान करते हैं हम सबको। राम लखन की वो सहज वैरागी मन जनक जी का डूबने लगा। वो कहते हैं, मेरा मन सहज वैरागी है, लेकिन आज चंद्रमय की ओर, चंद्र की ओर चकोर की दृष्टि, इन बालकों में मेरा मन खींचा जा रहा है। ये तो तुलसी की चौपाई को अवतरित किया है पंक्ति में, मेरा बैरागी मन डोल गया। बाकी तो ये रेंज तो वहां है, चंदन साबदन खाक। इन्हीं बिलो कत यति अनुरागा, भगवान विश्वामित्र जी इन बालकों को देखकर मेरे मन में इतना अनुराग क्यों हो रहा है? मैं वैरागी आदमी इतना लुब्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म सुख मेरा मन छोड़ चुका है और इसमें लगने रहा, ये है कौन? ए प्रिय सब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये दो है ना, ये प्राणी मात्र को प्रिय लगते हैं, ऐसा उसमें कुछ है। जड़ चेतन स्थावर सबको ये प्रिय लगते हैं, ये सबके प्रिय है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी के सामने देखा, गुरुदेव ज्यादा पर्दा मत हटाना, क्योंकि मुझे बहुत अवतार लीला करनी है, इसलिए मन मुसुका ही राम सुनी बानी, छोटी सी मुस्कुराहट करके प्रभु रुके। महाराज आप अकेले आते तो हम बाग में ही रखते, अयोध्या के राजकुमार आए, उसको मिथिला में सुंदर सदन में निवास दिया है, दोपहर का भोजन हुआ, सायंकाल को रामनगर दर्शन के लिए गए, पूरी मिथिला जो नाम रूप को मिथ्या मानती थी वो डूब गई राम नगर।
दूसरे दिन सुबह में गुरु पूजा के लिए पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प चयन के लिए जाते हैं, उसी समय जानकी जी ते अवसर सीता इसी में अवसर सीता जानकी जी को अष्ट सखियों के संग गौरी पूजा के लिए भेजी है। जानकी जी गौरी की पूजा कर रही, एक सखी दौड़ कर आई, पूजा बाग में होगी, वो देख लो आ गए बाग में। जिसने संकेत किया इस सखी को अग्र करके शांति जी जाती है। सीता राम का ये प्रथम मिलन है मर्यादा से। राम जानकी जी को यद्यपि वो वैसे दो है ही नहीं, लेकिन लीला में दो है। भगवान राम सीता को समर्पित, जानकी राम को समर्पित। और सीता जी देर हो रही है सखियों के कहने पर, इसलिए गई करती है। मुस्कुराई दुर्गा, आशीर्वाद जानकी को दिया कि तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया मिल हिसोवर, तुम्हें ये मिलेगा। जानकी जी को मंगल सगुन हुए, लौट आई, राम लखन विश्वामित्र जी के पास आए। दूसरा दिन पूरा हुआ और फिर धनुष यज्ञ का दिन आया। तमाम राजे महाराजे धनुष यज्ञ के रंग भूमि में आ गए हैं। क्षण मध्यार्थ भगवान राम ने गज पंकज नाल की तरह धनुष भंग कर दिया। सभा में सब देखते रह गए। जानकी जी ने प्रभु के गले में जयमाला पहनाई और ये धनुष भंग की आवाज सुनकर विश्वामित्र महाराज, परशुराम महाराज साधना में थे, साधना से जाग गए, आवाज की दिशा में दौड़ते आए। परशुराम राम राम संवाद फिर शुरू हुआ। एक परशुराम और एक राघव राम, दोनों का संवाद। आखिर में परशुराम जी को पता लग गया कि मैं आवेश अवतार हूँ, राम पूर्ण अवतार है। अब वो आ गए, मैं अपने आवेश से मुक्त होकर महेंद्र गिरी पर चला जाऊँ और भगवान राम के सामने कैसा कैसा वो बोले हैं, सब की क्षमा मांगते हुए परशुराम जी विदा लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कही जय रघुवंश बन ले तू।
काला होता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में उसको गर्मी दी जाए तो लोहा लाल हो जाता है। लाल उनका सहज स्वभाव नहीं है, अग्नि के प्रवेश से वो लाल हो गया। अग्नि हटा दो तो फिर मूल स्वभाव। परशुराम ऐसे आवेश अवतार है, कुछ समय के लिए अवतार पना उसमें आया और राम का ये प्रभाव देखकर उसका आवेश अवतार पूरा हुआ। महेंद्रगिरी पर्वत पर साधना के लिए चल दिए, सब प्रकार से विघ्न हट गए और यहाँ पत्र लेकर दूत अयोध्या गए। महाराज दशरथ जी बारात लेकर आए, विधाता ने लग्न पत्र तैयार किया। मंगल मूल लग्न दिन आवा, माक्षर शुक्ल पंचमी गोरज बेला, राम के दुल्हे की सवारी निकली। सीताराम, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी और भरत, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति चारों का एक ही मंडप में विवाह संपन्न हुआ। बहुत दिन तक बारात रुकी, उसके बाद कन्या विदाई का प्रसंग आया और बीच बीच बरवास करी मग लोगन सुख दे अवध समीप पुनीत बिन पहुँचे पहुँचे आई निकेत। रास्ते में मुकाम करते करते महाराज दशरथ जी पुत्र वधुओं और पुत्रों के साथ पूरी बारात को लेकर अयोध्या आते हैं। माताओं ने आरती उतारी, मेहमानों को निवास दिया, विश्वामित्र जी को भीतर भवन उतारा दिया। एक के बाद एक लोक रीति और वेद रीति चलू शुरू रही। अब मेहमान विदा हो गए, आखिर में विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी ने विदा दिया। विदा कर देते हुए करते हुए कहा, महाराज हम आपके बच्चे हैं, हमारे पर छोह करते रहना और जब आपको अवसर मिले, हमारी याद आए तो हमें दर्शन देते रहना। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाद कुल चंद। विश्वामित्र जी अपनी साधना में शुभ आश्रम में चले गए। यहाँ गोस्वामी जी बालकांड को पूरा करते हुए निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी गायो रघुवीर चरित अपार बार पार कवि को नहीं लयो सी रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावै सुनै दिन सदा उछा मंगलायतन राम जस। इति श्रीमद रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विभत्सने विमल वैराग्य संपादो नाम प्रथमः सोपान बालकांड समाप्त। चतुश्लोकी भी ब्रह्म है और 18,000 श्लोक भी ब्रह्म, तो विस्तार करो तो भी ब्रह्म है, समास करो तो भी ये ब्रह्म है। तो अति संक्षेप में मैंने आपको सामने बालकांड पूरा कर दिया। आज की कथा को भी मैं यहाँ विराम दूँ। इससे Thank you.
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम। कल सुबह 10 बजे यहां मिलेंगे, कल 5 बजे वहां मिलेंगे। तो पुनः एक बार सभी को प्रणाम, भाव से बोलिए राम राम चंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय नमः अनुरागा
ंडक बल पावन ताई गीत मैत्री कुंते गाय पुन प्रभु पंचवटी कृत वाचा भंगी सनम के उपदेश रूपा सुख हर भूषण मद बहुरी बखाना दिन माया सीता कर हरना श्री प्रभु गीत क्रिया बहुरी विरह वर्ण तरघुवीरा जय विजय सरोवर प्रभु नारद संवाद मारुति मिलन कपी प्रभु शैल प्रबल संवाद वर्णन वर्षा शरद अरु राम सीता खोज सकल तथा समीर कुमारा नाग लंका प्रवेश रावणी आए कब सब जहर गुराई रघुवीरा उग्र जाई बारीषण देवी दियाई सागर उतरे सागर पार गयो बसी के वीर सलराई वर्ण से विविध प्रहार कुंभकरण गणना कर निशरण कर मरण विधि रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदर शोका हर विभीषण देव सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन असुति नर दूर मुनि पुष्पक चढ़ि कपिल समेता और प्रभु प्रभु कृपाल चेता देवी रावण घर निज आए बाई राम अभिषेका पुरपर तथा समस्त सुंदर भगवानी जो राम कथा कंगना सुनेव सकल भयो राम पद श्री का कुसुम्बी जी महाराज प्रिय हो आरती श्री गावत ब्रह्मा विक्रमुनि बाल विज्ञान सुख सन कारी Done.
Thank you.